माइनक्राफ्ट के अंदर काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा ही रेयर है और लिटरली ये चीजें इतनी रेयर है कि इनका स्पॉन होने का चांस लिटरली 0.1% तक जाता है। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो कि माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें जिसका चांस 0.1 से भी ज्यादा कम है। माइनक्राफ्ट के इस वीडियो के अंदर आज मैं उन्हीं सीक्रेट रूम्स को एक्सप्लोर करने वाला हूं जो कि माइनक्राफ्ट ने हमसे छुपा के रखे हैं। ओके, तो ये आ चुका है एक एंशिएंट सिटी के अंदर और भाई तुम जानते हो ये बहुत ही ज्यादा स्केरी जगहों में से एक है और ये एंशिएंट सिटी के अंदर ऐसे मटक रहा है जैसे इसके बाप की जगह हो। बेटा भी वार्डन आके मारेगा तुझे, ये क्या तोड़ रहा है यहाँ पे? अबे पिस्टल्स भी लगे हुए हैं। अबे ये क्या जगह है? यहाँ पे नीचे होता तो है कुछ बट मैं जानता नहीं इसको क्या काम है, आज तक मैं समझ नहीं पाऊ। यहाँ पे इसने इसको मारा कुछ हुआ और फिर इसने यहाँ पे एक किताब रखी और यहाँ पे जगह खुल गई। वेट, व्हाट? ये सच में होता है भाई? मेरे को भी नहीं पता क्योंकि तुम जानते हो ऐसी जगह पे जाता ही कौन है। और ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है और सामने डायमंड की ब्लॉक से। वेट, व्हाट? और चेस्ट के अंदर इतना ओपी लूट है भाई, मुझे अभी के अभी उसे जाके टेस्ट करना है। चलो फटाफट से चलते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। ओके, तो मैं आ चुका हूं अपने वर्ल्ड के अंदर। हम फटाफट से एक रैंडम जगह को लोकेट करते हैं, जैसे कि एक रैंडम एंशिएंट सिटी जहां पे हमें जाना है और ये और उसके कोऑर्डिनेट्स, और हम यहां पे टीपी हो जाते हैं। ओके भाई लोगों, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूं यहां पे और यहां पे वार्डन स्पॉन है। उससे पहले मैं फटाफट से जाता हूं, देखो वो यहीं पे आया था और यहां पे चलने के बाद सीधा वो इस जगह पे आ चुका था, पोर्टल की तरफ आया था, बट उसने एक्चुअली नीचे जाके ये जगह माइन की थी। यहां पे कुछ है पहले से मेरा खुला हुआ है, उसको तोड़ना पड़ा था। यहां पे पिस्टन है बहुत सारे और क्या है ये भाई? आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ होगा। यहाँ पे दुनिया भर का सेटअप है और ये कारपेट है और यहाँ पे, ओ यहाँ पे भी बुकर वो है। रुको मेरे को एक बोले नहीं, तो मैं बॉसेस को शूट करके देखता हूँ, पता लग जाएगा कि ये सच है या फेक। ओके, तो मैंने एक एरो ले लिया, मैं एरो मार दो एकदम करेक्ट यहाँ पे और कुछ हुआ, आवाज हुई और मैं ये उठा लेता हूँ, ये टेक बुक। ओ वेट, व्हाट? सच में यहाँ पे कुछ खुल गया? वेट, यहाँ पे कोई रास्ता मेरे को अंदर जाने, तो यहाँ पे क्या है? और भाई यहाँ पे सच में एक चेस्ट छुपी हुई है। रुको, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं क्यों पार्कोर कर रहा हूँ? यहाँ पे दुनिया भर का डायमंड ब्लॉक और अंदर सच में इतना अमेजिंग लूट है भाई, तुम देख रहे हो भाई, किसी को पता भी नहीं होगा क्योंकि एंशिएंट सिटी के अंदर कोई आता ही नहीं है। भाई अगर तुम्हें ये लूट मिलती है तो मुझे अभी कमेंट करके बताओ, हम चलते हैं अपने अगले वाले लूट की तरफ। ओके, तो हमने अगले वाले लूट के लिए ये आ चुका है एक मैंशन के अंदर और मैंशन के अंदर आके यहाँ पे पेरिजर्स को मारा। हम भी यही काम करते हैं बट ये यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे एकदम टेबल्स आया और ये टेबल को माइन कर रहा है और ये टेबल के नीचे क्या ढूंढना चाह रहा है? यहाँ पे एक चेस्ट है। व्हाट? सच में होती है यार? चेस्ट को जला भी देते होंगे तो पता नहीं लगता होगा, हमें ये जाके टेस्ट करना पड़ेगा गाइस। चलो फटाफट से चलते हैं। ओके, तो मैं अपने वर्ल्ड के अंदर तो आ चुका, पहले मैं अपने आपको क्लियर कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कुछ सामान ना पड़े, तुम लोग बोलो ना। ये एडमिन ने मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए थे, मैं उस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट छोड़ो, मैं रैंडमली लोकेट करता हूँ स्लैश लोकेट और ये जरा हमारा स्ट्रक्चर और यहाँ पे हम जाएंगे एक हमारा मैंशन और मैंशन पे हो जाते हैं टीपी। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ तो चुका हूँ एक मैंशन के ऊपर और ये मैंशन एकदम बढ़िया जगह पे बनी हुई है, एकदम डार्क वाले बायो के बीच में। बट हमें यहाँ पे सिर्फ एक रूम चाहिए जिसके अंदर एक डाइनिंग टेबल सा हो और मेरे को देखना कि मुझे वो टेबल कहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे दुनिया भर के रूम है यार, लेकिन मेरे को जो रूम चाहिए वो रूम मिल ही नहीं रहा है। चलो नीचे आके देखते हैं, नीचे तो होगा नहीं गाइस, इसके अंदर एक डायमंड ब्लॉक भी होता ना जितना मुझे पता है, बट वो आई थिंक कहाँ नहीं मिलता। ये भी एक टेबल है बट इसका कलर डिफरेंट है यार, उसका कलर डिफरेंट है, हमें वैसी ही टेबल चाहिए, काली वाली नहीं चाहिए। भाई कुछ मिले ना मिले, मुझे पहले ही चिप्पू दिखी है, मैं चिप्पू को देखता हुआ गया, काश इस चिप्पू के अंदर मुझे लूट मिलती है। यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल तो है जैसा कि उसने बोला था और उसने समवेयर यहाँ पे पीछे वाला ब्लॉक माइंड किया था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। क्या इस वाले मेंशन के अंदर ऐसी कोई और भी जगह होती है लाइक जो सिमिलर सी दिखती हो? वेट, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखता हूँ। वेट, सामने भी एक और है, रुको, क्या यहाँ पे बीच वाला माइंड करेंगे तो नीचे? यहाँ पे भी चेस नहीं है यार, होती कहाँ फिर ये चेस? ओके गाइस, तो फाइनली इस मेंशन के अंदर मुझे एक कमरा मिला है जिसके अंदर ये एक और रूम है, ये लास्ट रूम होने वाला। आई डोंट थिंक एडमिन भैया ने मुझे इसी रूम के कोऑर्डिनेट जीते, तो हम देखते क्या इस रूम के अंदर सच में चेस्ट होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई चेस्ट दिख नहीं रहा। वेट, व्हाट? यहाँ पे साइड में चेस्ट है, रुको, यहाँ पे है, क्या पता वहाँ पे भी साइडों में चेस्ट हो, मैंने ध्यान ना दिया हो। गाइस तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा। और गाइस तुम्हें एक सबसे अमेजिंग चीज दिखाऊं इस वाले सीट की, मैं तुम्हें ये सीट दे सकता हूँ, तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पे नीचे की साइड तुम्हें कमरा मिलेगा जिसके अंदर यहाँ पे टीएनटी लगे होते हैं, बिल्कुल नेचुरल स्पॉन है ये। मैं तुम लोगों को उसका सीट दे दूंगा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे। 100 लाइक्स एक बहुत बड़ा गोल नहीं है, हम कई बार तोड़ चुके हैं और तुम देख सकते हो अंदर एंडर पल्स है, ये नेचुरली जनरेटेड है और तुम्हें इसका सीट मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वाले के लिए ये विच को मार रहा है। यहाँ पे विच को क्यों मार रहा है? विच को मारने से तुम्हें इतना कुछ खास मिलता नहीं, गन पाउडर मिलता है। ओके, यहाँ पे विच हट पे, ये विच हट के अंदर गया और यहाँ पे जाने के बाद इसने क्या किया? यहाँ पे कुछ भी नहीं होता यार, बेवकूफ जगह है ये, कोल्ड रोल लेने आया था, ये पागल बना रहा है। और ये वेट, व्हाट? नीचे ये क्या है? इतना कुछ होता है नीचे, मैं कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं ऐसा कुछ भी होता हो, तो वेट मेरे को जाना पड़ेगा अभी के अभी, निकलो गाइस। ओके, तो मैं अपने वर्ल्ड के अंदर, तो ये रही वो मैंशन जहाँ पे देखा, इसके तुम्हें मैं सीट दे दूंगा भाई कमेंट में विद कोऑर्डिनेट्स। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन मोटिव की तरफ, तो हम सबसे पहले एक रोकेट कर लेते हैं रैंडम। ओके, तो ये रही अपनी स्वैम्प, बट हम इसके ऊपर टीपी हो जाते हैं एंड इसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे और हम आ चुके हैं। मेरा वर्ल्ड बिल्कुल भी लोड नहीं हो पा रहा, तुम देख लो एकदम न्यूली जनरेटेड है ये। ओके, तो वर्ल्ड इतने लोड हो रहा है, मैं आ चुका अपने विच हट के अंदर और मेरे को नहीं पता ये विच आंटी अंदर ही मटक रही है भाई, कहीं और छोड़ो, अंदर ही है, रुको आवाज आती रही है।
ये देखो इसकी काली बिल्ली और ये दोनों यहीं पे रहते हैं यार। अब हम नीचे देखते हैं कोल्ड्रॉन ये रहा। और इस कोल्ड्रॉन के नीचे क्या है? इस कोल्ड्रॉन के नीचे कुछ भी नहीं है भाई। नीचे हेलो, नीचे पूरा नीचे तक चला जाऊंगा मैं। हेलो कहीं पे नहीं है क्या? रुको मैं स्पेक्टेटर में जाके चेक कर लेता हूं तुम्हारे सामने। स्पेक्टेटर इसके नीचे कुछ भी नहीं है गाइस, वो जेन्युइनली फेक था भाई। इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ तुम एक माइनशाफ्ट दिख रही है और ऐसा कुछ भी खास कोई रूम नहीं है। आई गेस वो फेक था यार। क्या पता गाइस मेरी किस्मत खराब हो, तो तुम प्लीज एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम्हें वाला रूम मिलता है कि नहीं। ओके तो ये बंदा है एक ओशन मॉन्यूमेंट के ऊपर, इसने एक वाटर ब्रीथिंग का पोशन लिया, इसको सिर्फ 5% चांस है। और ये अंदर गया, इसने यहाँ पे लूट होता यार, यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक्स होते ना, बट ये उसके नीचे माइन कर। व्हाट, यहाँ पे क्या? यहाँ पे एक सीक्रेट रूम है और यहाँ पे ट्राइडेंट है। ये ट्राइडेंट कैसे पड़ा हुआ है? यहाँ पे कुछ हुआ भी, रेडस्टोन का काम है। व्हाट, लावा? अबे भाई इसमें चम्मच का इफेक्ट दिया गया। लॉल भाई, मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा, मेरे को भी फ्री में ट्राइडेंट चाहिए। एक ट्राइडेंट के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। ओके तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, ट्राइडेंट की भूख लेके आ चुकी है मुझे मेरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर। और ये एडमिन भैया ने मुझे सेटअप करके दिया, देखते मुझे ट्राइडेंट मिलता है नहीं मिलता। तो फटाफट से चलते हैं उनके बताए हुए कोऑर्डिनेट्स पे। ओके तो ये रहे वो कोऑर्डिनेट्स, लास्ट सीपी डार्क लॉर्ड गेमिंग, और ये डाल दिए मैंने कोऑर्डिनेट्स। अब हम आ चुके हैं ओशन मॉन्यूमेंट के पास। यस ये देखो ओशन मॉन्यूमेंट एकदम नीचे, यहाँ पे इतने सारे गार्डियंस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? छोड़ो ये तो होते हैं यहाँ पे। और ये तुम देख सकते हो एकदम फ्रीसिंग समुद्र के बीचों बीच हमारा ओशन मॉन्यूमेंट। अब हम चलते पानी के नीचे जो हमें अपना काम करना है। ओके तो मैं यहाँ पे भी तैर ही सकता हूँ, मेरे को कोई वाटर ब्रीथिंग का जरूरत नहीं है। ओके तो मैं पानी के अंदर तो हूँ और यहाँ पे दुनिया भर का गार्डियंस है भाई। अब मेरे को वो गोल्ड वाला कमरा ढूंढने में दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे से पंगे ना लेना, तुम लोग क्रिएटिव में हो, मैं कहाँ जाऊँ यार? मतलब इतने सारे रास्ते है ना, बंदा खो ही जाए यहाँ पे। अरे हट ना यार, मैं क्रिएटिव में हूँ, मैं तोड़ फोड़ के निकल जाऊंगा। कौन है ये घुरघुर घुरघुर आवाज कर रहा है? ये लोग घुरघुर घुरघुर आवाज करते क्या? देखो यहाँ पे बेसिकली ये वाला लूट होता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ये गोल्ड ब्लॉक्स और कुछ भी नहीं। सिर्फ चार गोल्ड ब्लॉक्स के लिए तुम अपनी जान हाथ पे लेके आते हो। और यहाँ पे ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया यार पानी के अंदर? बट वो बंदा एक्चुअली यहाँ से नीचे गया था और यहाँ पे गया था, और वो यहाँ पे जाने के बाद नीचे, अभी यहाँ पे सच में ये व्हाट, मुझे भी नीचे लेके चलो। ओके मैं इसे बंद कर देता हूँ वरना गार्डियंस आते रहेंगे यार। देखो नीचे तो आ चुका है, यहाँ पे दुनिया भर का ज़ॉम्बी का नॉइस आ रहा है। ये ज़ॉम्बी कहाँ पे है? आई डोंट नो। और यहाँ पे ट्राइडेंट, मेरे में ट्राइडेंट नहीं है भाई। जगह आएगा, कमरा आएगा, ट्राइडेंट नहीं है। हेलो भाई, मुझे लगता है वो ट्राइडेंट यहाँ पे होगा, बट शायद से ये कमरे के अंदर वो नहीं आया, ग्लिच है, डिस्पॉन हुआ है, पता नहीं यार। लेकिन मेरी किस्मत में ट्राइडेंट नहीं है, जगह है लेकिन ट्राइडेंट नहीं है। अबे यार एकदम इसके अंदर है भाई, लेकिन ये कमरा सच में होता अगर तुम्हारा लक मेरे से अच्छा हुआ तो तुम्हें पक्का मिलेगा। बट यार मेरी किस्मत में तो लिखा ही नहीं है भाई। कमेंट करके बताओ तुम में से किसको आज तक ये रूम मिला है। चलते अपने अगले वाले की तरफ। ओके तो अगले वाले के लिए आ चुका है स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर, और यहाँ पे सिंपली आके इसको तोड़ रहा है। हम लोग भी बेसिक काम यही करते हैं और यहाँ पे पर्स लगा के अंदर जाते हैं। बट वेट व्हाट, ये क्या कर रहा है? लावा बंद कर रहा है क्यों? नीचे क्यों? पोर्टल ऑन करने के बाद कोई काम का ही नहीं है वो। बट ये एक्चुअली कुछ और कर रहा है, इसने माइन किया और ये माइन कर जा रहा है। अभी नीचे कमरा है, वेट व्हाट, अभी सच में कमरा है नीचे। अभी भाई साहब ये देखो बीच में इसका ये भी है, क्या है, कौन बनाया, कौन है ये? और यहाँ पे ये चेस खोला इसने, और चेस खोलने के बाद अंदर नेदर स्टार है। तुम्हें नेदर में जाने का नीड ही नहीं है, नेदर स्टार यहीं से मिल जाएगा। वेट मुझे वो टेस्ट करने वाला, रुको रुको रुको। अगला देखने से पहले हम फटाफट से चलते हैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, तो मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड लोकेट कर लेता हूं। ओके तो मैं यहां पे आ चुका हूं स्लैश टीपी डार्क लॉर्ड गेमिंग, और ये रहे कोऑर्डिनेट जो कि मुझे एडमिन भैया ने दिए थे, क्योंकि वो मुझे बोले कि उन्होंने ये सर्वर सेटअप कर रखा ऑलरेडी, तो मेरे को ज्यादा ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके भाई लोगों, बड़ी दिक्कतों के बाद मैं फाइनली यहां पे तो आ चुका, और मैंने ये स्पॉनर तोड़ दिया। और तुम देख सकते हो मेरा लक तो बहुत ही खराब है यार। उस बंदे को एटलीस्ट कुछ पर्स तो लगी मिल गई थी, मुझे कुछ भी नहीं मिली। तो हम सबसे पहले यहां से एक ब्लॉक ले लेते हैं और इसको यहां से बंद कर देते हैं जिसे उसने किया था। और बीच वाले ब्लॉक को बंद करने के बाद अगर हम माइंड करेंगे तो नीचे हमें मिलना चाहिए। वेट मेरे को क्यों नहीं मिला? और नीचे अबे यहाँ पे सच में कमरा है यार। ये एडमिन भैया मेरा प्रैंक कर रहे हैं या सच में ये कमरा होता है भाई? मेरा भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसा ही बोल सकते हो। और यहाँ पे ये मेरे में भी है नीचे भाई, ये क्या है? और ये बीच में कौन रखा है ऑब्सीडियन पे? ग्लास से कवर्ड है। ओके और ये यहाँ पे एक चेस्ट, और इसके अंदर भी नेदर स्टार है भाई। ये नेदर स्टार के लिए हमें घास मारने पड़ते हैं और उससे मिलता है, नेदर में जाना पड़ता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से आईज ऑफ एंडर भी, 6 आईज ऑफ एंडर मुझे मिल गई। सोच रहे हो लाइक अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो पहले से मुझे कुछ लगी मिलती और 6 से मैं चला जाता अंदर अपने पोर्टल। मैंने एक बार बात कर दी, छोड़ो भाई कौन है, हम क्रिएटिव में हम सारा ऐसे ही भरते के पैंस की डिंग डिंग। ओके भाई लोगों, मैं गलती से आ गया हूं नेदर के अंदर, बट तुम लोग मेरे को अपना कमेंट करके बताओ कि वो तुम्हें मिला है या नहीं मिला स्ट्रक्चर, बिकॉज़ एडमिन भैया स्कैम भी कर सकते हैं। अगर कर रहे हो तो हम सारे मिलके मारेंगे उन्हें, और अगर तुम उन्हें मारना चाहते हो तो अभी लाइक वाले बटन पे प्रेस करो, मैं उतने थप्पड़ उन्हें मारूंगा जितने लाइक्स होंगे। ओके तो ये आ चुका है विलेज के अंदर, और यहां पे विलेज में पोशन वाला बंदा ही होता, सबको पता है। और यहां पे आके कुछ मिलता तो एनीबॉडी से यहां पे कहां से मिल गई लेटर? और ये क्या, यहां पे इतना कुछ, यहां पे विलेजर्स है, ये बंद है, यहां पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्या? फिर व्हाट, यहां पे एक्सपेरिमेंट का सारा सामान भी रखा हुआ है, और एक विलेजर कैद आ गया इस एक्सपेरिमेंट करने वाले इसके अंदर। भाई ये ज़ॉम्बी को कन्वर्ट करते हैं इसे उसके अंदर।
भाई वो हेल्प मांग रहा है यार बेचारा, बचा ले उसे, जाके मार उसे यहां बैन की डिंग डिंग इसकी। गाइस फटाफट से मैं जा रहा हूं अपने वर्ल्ड के अंदर, तुम देख सकते हो मैचों को अपने वर्ल्ड के अंदर उसका स्पॉन होने का चांस सबसे कम था। ओके तो हम सबसे पहले एक रैंडमली लोकेट कर लेते हैं विलेज को, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि मुझे कहां जाना है। ये रैंडमली लोकेटेड विलेज है, मुझे भी आइडिया नहीं यहां पे क्या होने वाला, देखते हैं। ओके तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूं प्लेन्स विलेज के ऊपर, और यहां पे तुम्हें वो पीछे वो दिख रहा है यार, वो वाला घर जिसके अंदर हमें मिलता है अपना फेवरेट थिंग जो अभी हमें रूम के लिए चाहिए। भाई हम आ तो चुके हैं यहां पे, बट मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ये रूम मिलने वाला है। भाई मेरा विलेजर पता ही नहीं कहां भाग गया, और यहां पे पोशन वाला बंदा, और नीचे कुछ यहां पे है क्या? हेलो, अबे नीचे कुछ है ही नहीं, मैं इतना नीचे तक आ चुका हूं। रुको मैं स्पेक्टेटर में जाके चेक करता हूं। भाई स्पेक्टेटर में भी आ चुका हूं, कुछ नहीं है, पूरा नीचे एकदम सपाचट। भाई यहां पे क्या क्रीपर, यहां पे कैद है क्या क्रीपर? अच्छा यहां पे नेचुरल स्पॉन है, मैं को विलेजर क्रीपर कैद करके रखते हैं, नई थ्योरी मिल गई। भाई या तो मेरा लक खराब है या फिर एक्चुअली ये कोई ऐसा रूम होता ही नहीं है, एडमिन भैया स्कैम कर रहे हैं, मैंने रैंडम वाला लोकेट करके उन्हें पकड़ लिया, बट आगे वाले रूम्स देख के उससे पता लग जाएगा कि ये सच है या नहीं। ओके भाई लोगों तो ये आ चुका है एक विलेज के अंदर, यहां पे ब्लैकस्मिथ की सिंपली ये चेस्ट देखना है। इसकी चेस्ट में डायमंड है यार, मेरी चेस्ट में नहीं मिलते, देखना भी मैं टेस्ट करने जाऊंगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसने ये माइंड कर, विद व्हाट, नीचे क्या है ये? अबे नीचे सच में से कोई रूम होता है? अबे ये पिलेजर उल्टा लटका हुआ है, ये क्या है? मैं भाई ये मजाक, ऐसा होता ही नहीं भाई, ये डाइनर पोल से उल्टा लटका रखा है, ऐसा होता ही नहीं, ये मजाक है, ये तो खुद से लटकाया इसने भाई, ये फेक होगा, अभी मैं इसको जाके टेस्ट करूंगा। और ये लूट देख रहे हो भाई तुम, ये लूट देखो, मैं नहीं मानता भाई, इसको पहले जाके टेस्ट करते हैं, अगला बात देखेंगे, पहले से देखता हूं इसकी बैंड की डिंग डिंग फेक फेक दिखा रहा है। ओके भाई लोगों जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर, और मैं टेस्ट करने वाला हूं ये कैसे, ये सर्वर मुझे एडमिन ने सेटअप कर दिया यार, क्योंकि एडमिन ने बोला है कि ये सीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, लाइक 0.0 चांसेस होते हैं इनके, तुम देख रहे हो। देखते भाई एडमिन भैया ने कितने अच्छे सीट निकाले, हम चलते फटाफट से विलेज की तरफ पे, उसके कोऑर्डिनेट्स भी मेरे को एडमिन भैया ने डायरेक्टली ये डालने को बोले गए, और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तुम देख सकते हो एक विलेज के अंदर जिसमें ब्लैकस्मिथ भी आएगा, उन्होंने इसीलिए देखा क्योंकि इसके अंदर ब्लैकस्मिथ है, नॉर्मली मिलता ही नहीं है। भाई तुम देख सकते हो विलेज काफी बढ़िया है, और बढ़िया जगह पे भी है, लाइक काफी पहाड़ों में है और एकदम सही जगह पे बनी है, और काफी बड़ी भी है, इसमें लगातार दो ये वाले हैं। भाई ब्लैकस्मिथ भी दो दो तीन तीन मिल जाए तो मजा आ जाए। चलो अंदर चलते हम और यहाँ पे ब्लैकस्मिथ वाले का लूट देखते हैं यार। सबसे पहले इसका लूट यहाँ पे देखो, कट्टी लूट है यार, मेरे को सिर्फ आयरन मिला लेकिन स्टार्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है। हम पहन लेंगे टोपी, हम है टोपी मास्टर। देखो यहाँ पे कुछ ना, लेकिन उसने बोला था ये वाला ब्लॉक तोड़ना और इसके नीचे ये तोड़ना, और नीचे सच में मिलेगा, और ये यहाँ पे, अबे मेरे में पिलेजर नहीं है, वेट व्हाट, लेकिन ये सच में एग्जिस्ट करता है, ये एडमिन भैया ने खुद बनाया है। गाइस तुम इसको अपने वर्ल्ड में टेस्ट करके बताना, कहीं तुम्हें 5-6 सीट में से एक आदमी क्या पता मिली जाए यार, मेरे को तो पता नहीं है। गाइस इसके अंदर का लूट देखते हैं, लगता है यहाँ पे कोई था बट वो आएगा स्पॉन नहीं हुआ, कुछ तो हुआ अंदर। मेरे में भी इतनी ज्यादा एपिक लूट है भाई, डायमंड्स 5 डायमंड्स, 3 एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, 5 आयरन, गॉड वुमन इन शॉर्ट, मैं नहीं खा रहा, खा ही लेता हूँ यार। देखो गाइस इतनी अमीरी आ चुकी है, गोल्डन एप्पल एन्चेंटेड ऐसे ही फेंक देते हैं भाई फिलहाल के लिए, कितना सच है और फेक ये तो मुझे तुम लोग ही बताओगे यूज करके, वरना एडविन भाई को हम सारे मिलके मारेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले की तरफ। ओके तो ये आ चुका है डेजर्ट टेंपल के ऊपर, 6.5% चांस बहुत ज्यादा ही होता है, और यहाँ पे नीचे गया और इसने कुछ नहीं किया, इसने यहाँ पे जाके हम यही तोड़ते, सिंपल हर बंदा यही काम करता है गाइस। उसके बाद उसने ये ब्लॉक तोड़ा, और पीछे क्या है, वेट व्हाट, हेलो, अबे ये पीछे क्या है, ये पीछे छोटा डंजन कौन बना रखा है, एक ब्लेज। भाई मुझे जानने की जरूरत क्या है नेदर में, अगर मुझे ब्लेज रॉड यहीं से मिल जाएंगे तो। अबे इसने यहीं पे ब्लेज को मारने में इस बंदे की हालत खराब हो रही है, और यहाँ पे कितना अमेजिंग लूट है ये भाई, 3 डायमंड, 4 गोल्डन एप्पल। रुको भाई रुको, आगे देखने से पहले मैं फटाफट चलता हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। भाई ये कुछ ज्यादा ही ओपी लूट हो गया है, मुझे लगता है वो फेक था। उसको प्रूफ करने के लिए यार मेरे को ना एडमिन भैया पे डाउट हो रहा है, क्योंकि एडमिन भैया मुझे एकदम विलेज का कोऑर्डिनेट देते हैं, ये खुद से बना के तो नहीं देते। एक काम करता हूं, एक रैंडमली टीपी हो जाता हूं, फिर देखता हूं कि भाई मेरे को मिलता है नहीं मिलता। उन्होंने मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स तो दिए हैं, बट मैं वहां पे होऊंगा नहीं। तो स्लैश लोकेट स्ट्रक्चर, और हम कर लेते हैं एक डेजर्ट पिरामिड, और जो रैंडम तुम्हारे सामने स्पॉन होने वाला मैं एक्जैक्टली वही रैंडम को यूज करके भाई पर जाके सर्च करने वाला हूं। तो ये मेरे से 5000 ब्लॉक दूर है और मैं इसमें टीपी होने वाला हूं। ओके गाइस तो मैं आ तो चुका हूं एक डेजर्ट टेंपल के ऊपर, और ये कुछ ज्यादा ही दूर था मेरे से, और ये देखने में भी काफी सही लग रहा है, बस इसका एंट्रेंस नीचे दब गया। हम चलते हैं, ये देख लो ये बिल्कुल रैंडमली लोकेटेड है, तो भाई एडमिन भैया का भी यहां पे आने का कोई मतलब नहीं है। और गाइस यार इन चीजों का स्पॉन होने का चांसेस तो ऑलरेडी बहुत कम है, तो तुम अपने वर्ल्ड में मुझे टेस्ट करके बताना कि ये सच में होते हैं या फिर लाइक मेरी किस्मत खराब थी इस बार। ओके तो वो सबसे पहले यहां पे आया था, उसने ये वाला ब्लॉक माइन किया और नीचे जाके उसने इसको तोड़ दिया था, राइट। और उसके बाद उसने यहां पे चेस्ट वगैरह में मैं देख लेता हूं, अबे ये क्या है, स्मिथिंग टेम्पलेट। अबे हां यार नए अपडेट में बहुत कुछ आएगा गाइस, यहां का लूट तो टट्टी है, और नीचे बहुत सारे टीएनटी जाएंगे तुम देख सकते हो। लेकिन उस बंदे ने यहां पे कुछ ब्लॉक्स माइन किए थे और यहां पे कुछ देखा था, बट हमारे वहां तो है ही नहीं। वेट व्हाट, कहीं दूसरे वाले में था क्या? यहां पे कहीं पे कुछ थोड़ा इधर उधर, हेलो, और यहां पे भी कुछ नहीं है। वेट मैं स्पेक्टेटर में जाके चेक ही कर लेता हूं ना, ये आ गया मैं स्पेक्टेटर के अंदर, मैं चेक करूं यहां पे कुछ भी नहीं है, और यहां पे नीचे चलो आई थिंक यार वो फेक है, आई डोंट नो गाइस, तुम अपने वर्ल्ड में टेस्ट करके बताओ क्या वो तुम्हें मिलता है या नहीं मिलता है। तो अब हम चलते
अपने अगले वाले की तरफ। ओके तो ये आ चुका है माइनशाफ्ट के अंदर, यहाँ पे विदर का सिंबल आ रहा है जिसके दोस्तों ने मजाक किया होगा, ये स्पॉन कर दी होगी और ये बंदा कह रहा है इसके 0.0 चांसेस है गाइस। तुम जानते हैं ऐसे विदर तो स्पॉन होती नहीं, और ये इतना कूल पोर्टल वोटल बना के विदर स्पॉन होगी, पॉसिबल है भाई? नहीं, यहाँ पे डीप स्टोर, ये पीछे पोर्टल भी है, मार रहा है पेन देगी तेरे को वो भाई साहब। गाइस ये इम्पॉसिबल है, मैं जाके अभी के अभी से टेस्ट करने वाला हूँ भाई। यहाँ पे दूर दूर तक कोई माइनशाफ्ट नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ वो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट जो मेरे को एडमिन भैया ने दिया, और ये टीपी मार चुका हूँ मैं, और मैं कहाँ गया हूँ, हेलो मैं कहीं पे तो हूँ, रुको मैं अपना बोर्ड हटाता हूँ। और ये देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ये माइनशाफ्ट के अंदर हूँ मैं। ओके और वो यहाँ पे भी कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर है जो हमने उस वीडियो में देखा था, तो क्या ये सच में होता है? इसके पीछे कुछ होने वाला है क्या? कि पीछे कुछ है, वेट व्हाट, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विदर स्कल है, लेकिन उसमें तो विदर थी ना, विदर स्कल थोड़ी था। अबे अबे यहाँ पे ऑलमोस्ट ये विदर पूरा बना हुआ है, अगर हम इसमें ये डाल देंगे तो ये बस बन जाएगा। गाइस ये सच में होता है? लाइक ये स्पेसिफिकली कहीं कहीं मिल सकता है या फिर ये फेक है? पता नहीं भाई, हम विदर तो है यहाँ पे भाई। ये सोल स्टैंड कितना क्रीपी है, देखो भाई जब हम यहाँ पे लगाए थे ये और ये बन गया। अबे ये विदर ऐसे ही बनती है? ऐसे नहीं बनती, मुझे तो पता ही नहीं गाइस, तुम लोगों को पता होगा, प्लीज मुझे बताओ। मैंने खुद से स्पॉन कर दिया भाई, वो तो फेक वीडियो थी मेरे ख्याल से, या फिर ये एडमिन भैया को स्कैम है। आगे वाले रूम्स देख के पता लग ही जाएगा यार कितना असली है कितना नकली। गाइस तुम इस विदर के लिए फटाफट से लाइक करो, मुझे टेस्ट करके बताओ कि क्या सच में ऐसे विदर कहीं पे मिल सकता है। अब मैं चलता हूँ अपने अगले वाले रूम की तरफ। ओके भाई तो ये डेजर्ट टेम्पल की तरफ आया, और ये यहाँ पे इसने माइंड किया, हम भी ये करते बेसिकली, और नीचे जाते और ये स्टोन का हटा देते ताकि हम इसको लूट पाए। बेसिक चीज है भाई, सभी ये करते हैं, मैं भी बिल्कुल यही चीज करता हूँ। इसमें रेयर क्या है, मैंने भी लूट लिया, इसको घटिया सा लूट मिला यार, इसे कुछ अच्छा नहीं मिला, किस्मत खराब। अबे 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 पीछे क्या है ये तो कभी नहीं देखा मैं। अबे मैंने टीएनटी फोड़ा तब मुझे ये रूम क्यों नहीं मिला, ये रेयर है इसीलिए। अभी यहाँ पे ट्रैप भी लगा हुआ है, मर जाता भाई अभी, ये ध्यान से बोलना पड़ेगा ये तो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लूट क्या है? ओ यहाँ पे ये टोटम होगा एक इसीलिए भाई, ये क्या मुझे भी यहाँ पे एक टोटम फंडा एक फ्री में मिल जाएगा? रुको यार ये जाके मुझे टेस्ट करना ही पड़ेगा फटाफट से, हम चलते हैं अपने विलेज के अंदर या फिर जो भी मेरा स्पॉन होगा। ओके तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर, और ये कितना प्यारा स्पॉन है यार, चेरी ब्लॉसम का यार, वो भी इतना बड़ा बायोम सा, मुझे बहुत पसंद है यार चेरी ब्लॉसम। चलो अब हम अपना चलते हैं एक टेम्पल की तरफ, तो मैं हो जाता हूँ टीपी जो कि मेरे एडमिन ने मुझे कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिए, तो ये रहे उसके कोऑर्डिनेट्स, और ये मारा मैंने एंटर, और ये आ चुका हूं मैं डेजर्ट टेंपल पे। यहां पे तुम देख सकते हो डेजर्ट टेंपल है। ओके तो यहां पे आने के बाद उसने एग्जैक्टली ये वाला ब्लॉक माइन किया था, और वो नीचे गया था और उसने ये तोड़ दिया प्रेशर प्लेट। उसके बाद उसने पहले एक टॉर्च ली थी, मैं टॉर्च पे भाई बिल्कुल सेम लगाने वाला हूं, पता लगा उससे कुछ रेडस्टोन वगैरह ट्रिगर होता कुछ भी होता, तो ओके यहां पे गए और सारा लूट। अबे क्या ही बकवास लूट है, गोल्डन एप्पल ठीक है बट चलो ठीक है यार, इतना लूट भी चलता डायमंड का वो भी है, इसके अंदर टट्टी इसके अंदर। ओके तो फिर वो नीचे गया था और उसने सारे टीएनटी तोड़ दिए थे, टीएनटी तोड़ने के बाद वो यहाँ पे वापस से उसने ये ब्लॉक्स लगाए थे और ये चेस्ट तोड़ी थी और पीछे गया था। वेट व्हाट, पीछे सच में है ये? अबे पीछे सच में एक जगह है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो नीचे भाई मेरे को प्लीज छोटा मुफन डाइक। अबे टोटक, अबे मेरे में भी ट्रैप्स लगे हुए हैं भाई, ये ट्रैप ब्रैप मुझे तो बनाने भी नहीं आते, कैसे लगे हुए हैं वर्क? अबे ये एरोज मार रहे, मैं क्रिएटिव में हूँ बालक भाई, तो हम भी ये उसका ट्रैप फेल कर दिया, अब ये ट्रैप नहीं मार सकता हमको, और यहाँ पे आके हम लेते टोटम ऑफ, अरे मैं क्रिएटिव में मैं क्या ही करूंगा यार। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी है क्या? अच्छा ये बेड से बनाया हुआ वो है, और पीछे कुछ है यहाँ पे? नहीं। अबे यहाँ पे गोल्ड के ब्लॉक वगैरह मिल जाएंगे तुम्हें तो, आएगा गाइस ये बहुत ओपी लूट है, अगर तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में मिलती है तो प्लीज मुझे बताना। ओके तो अभी आ चुका है प्लेचर टावर के अंदर, या पिलेजर गिर रहे हैं, और भाई इसने पिलेजर टावर का ही पूरी जगह बंद करके ये फ्लैप तोड़ा, क्यों तोड़ा? और नीचे इसको क्या है? वो एक रूम मिला, और एक रूम के अंदर इसे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, इसके अंदर गॉट हॉर्नर, ये तो बेसिक लूट है, कुछ यूनिक तो है नहीं, बट जो भी है भाई मैं टेस्ट करने वाला अपने वर्ल्ड के अंदर, फटाफट से चलते हैं एक ओके तो अपने डेजर्ट टेम्पल के अंदर है। पहले यार मैं खाली हो जाऊँ, बहुत भरा हुआ, तो मैं टीपी हो जाता हूँ वापस से, एडमिन ने जो मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं शायद से पिलेजर टावर के ही होंगे, कहाँ है ओ भैया मेरे पीछे ही है एग्जैक्टली। ओके तो यहाँ पे मेरा पिलेजर टावर, और तुम देख सकते हैं पिलेजर्स कहाँ यार, यहाँ पे कोई है ही नहीं, और यहाँ पे कोई बंद भी नहीं है, क्या गवार जेल है इनकी यार, एटलीस्ट कोई एले वेले होती तो मजा आता, यहाँ पे गाय है बस, और पिलेजर्स पता नहीं कहाँ भटक रहे भाई। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इनको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे जो उसने किए थे ये सारे मैंने कर दिए बंद। ओके और फिर उसने यहाँ पे एक बीच वाली स्लैब तोड़ी और ये तोड़ा। ओके अबे नीचे सच में है, नीचे क्या है? अबे नीचे लूट है, अबे मेरे में ये गोटन यहाँ पे मिलता है क्या? ओके भाई ये गोटन अच्छा है यार, देखो सुना दो मैं तुम्हें दोबारा, बाहर निकलता हूँ थोड़ा सा, और ऊपर लूट क्या है? ओके तो मैं घर में जाऊंगा और इसके अंदर भी एक गॉट होना, तो मेरे पास दो दो गॉट हो गए, और ये अलग अलग है, सी का एक पाउंडर है, आई डोंट नो क्या होता है। ओ भाई ये टोटली डिफरेंट है जो भी है भाई, पता नहीं। ओके तो यहाँ पे बहुत तुम्हें सही लूट मिल जाएगा गाइस, तुम भी इसको अपने वर्ल्ड में टेस्ट करके बताना क्या तुम्हें मिलता है नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। ओके तो अपने अगले वाले के लिए ये आया है एक जंगल पिरामिड के अंदर, और ये इसका चांस स्पॉन होने का चांस बहुत ही कम है यार, और ये नीचे से ना फाइंड किया, नीचे एक रूम है
इस रूम के अंदर एक चेस्ट है, आई गेस यहाँ ये ट्रैप लग रहा है मेरे को भी। इसने खोला, कुछ तो हुआ, लेकिन इसका लूट कितना अमेजिंग है भाई। और यहाँ से लावा आ रहा है भाई, ये रियल नहीं हो सकता यार। मैं देखा हूँ यार, काफी क्लोजली देखा हूँ कि गाइस ये रियल नहीं है। मैं अपने वर्ल्ड में टेस्ट करके बताता हूँ तुम्हें। देखो यार, एक काम करते हैं, हम एडमिन की नहीं सुनते यार, एडमिन स्कैमर हुआ तो। मैं एक काम करता हूँ, एक रैंडमली लोकेट करता हूँ, स्लैश लोकेट। ओके, तो मैंने एक रैंडमली लोकेट किया जंगल पिरामिड, और मैं इसके ऊपर टीपी हो जाने वाला हूँ। ये बहुत दूर है गाइस, 2000 ब्लॉक दूर है, तुम देख सकते हो मेरे नीचे ही है। टाइम कर लेते हैं हमारा डे का, दिन अच्छा लगता है यार मेरे को। ओके, तो हम आ चुके हैं जंगल के बीचों बीच, पहाड़ों के ऊपर, जंगल के पार। ओके, तो यहाँ पे इसका एंट्रेंस, और यहाँ से वो कुछ नीचे गया था, उसने भी एक टॉर्च दी थी, तो हम भी एक सेम करते हैं, टॉर्च लेते हैं। और उसने एक टॉर्च यहाँ पे लगाई थी, और यहाँ पे उसके लीवर्स थे, और उसने आई गेस ये वाले ब्लॉक्स माइन किए थे ना। अबे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं भाई, मैं बोला था भाई ये कैसे भाई, उसके सारे मिल रहे लेकिन जो हमने रैंडमली लोकेट किया वो नहीं मिल रहे। गाइस तुम इसे अपने वर्ल्ड में चेक करके बताओ या तुम्हें मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि यार इसका स्पॉन होने का चांस ऑलरेडी बहुत कम है। और यहाँ पे ट्रैप्स लग रहे होते हैं, यहाँ पे एक चेस्ट होती है, इस चेस्ट के अंदर घटिया लूटी पता नहीं क्यों रखते हैं गेम वाले, बकवास भाई। तो भाई ये वाला तो मेरे वर्ल्ड में मेरे को नहीं मिला, क्या तुम्हारे वर्ल्ड में मिलता है प्लीज मुझे अभी कमेंट करके बताओ। चलते हैं अगले वाले की तरफ। ओके, तो ये आ चुका है विलेज के अंदर, और ये पहले भी हम विलेज के इतने सारे देख चुके हैं ना। ओके, तो यहाँ पे गया और इसने इसका ये स्टैंड तोड़ा। ओके, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लॉक माइन करा नीचे, क्या है वेट व्हाट, ये सच में होता है, मैं नहीं मानता भाई। भाई आज तक क्यों नहीं दिखा मुझे यार, मैं उसके घर उड़ाया हूँ। Wait, what? उसके अंदर इतना एपिक लूट है भाई, कितना ही ज्यादा अमेजिंग लूट है यार, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है, मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा। रुको गाइस, मैं फटाफट चलता हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर। तो मैं आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर, अब हम फटाफट से चलते हैं प्लेन्स विलेज की तरफ, ये स्पॉन कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो हम टीपी आते स्लैश टीपी डार्क क्लाउड गेमिंग, और ये हो चुकी है हम विलेज पे टीपी। ओके गाइस, तो जैसा कि तुम लोग पीछे देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ एक प्लेन्स विलेज के अंदर, और ये विलेज कुछ ज्यादा ही ओपी सी जगह पे लग रही है। ओके, तो हम जगह को छोड़ते हैं, अपना विलेज में काम करते हैं, हमें सिर्फ वो वाला घर चाहिए, अब हम उसके अंदर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इसके घर के अंदर, और मेरा यहाँ पे जो विलेजर है वो गायब है, उसने इसको तोड़ा था एंड नथिंग एल्स, एंड वो यहाँ पे गया एंड यहाँ पे जाके उसने इसको माइन किया। नीचे कुछ भी नहीं है भाई, अगर मैं नीचे और माइन करूँ तो भी कुछ नहीं, आई गेस फेक था गाइस। वेट व्हाट, ये सच में होता है गाइस, थोड़ा सा नीचे माइन करने के बाद मुझे यहाँ पे रूम मिला, और इसके अंदर एग्जैक्ट सेम लूट है, मतलब कुछ ना कुछ वैसा ही, लेकिन ये कितना अमेजिंग है। गोल्डन कैरेट्स, मैग्मा क्रीम, ब्लेज पाउडर, तुम्हें नेदर में जाने का जरूरत भी नहीं है, और स्लैश पोर्शन ऑफ रीजनरेशन, क्या क्या पोर्शन है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है। तुम अपने वर्ल्ड में इसको ढूंढ के देखो, अगर मिल जाए तो तुम बहुत लकी होने वाले हो, क्योंकि इसका चांस बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने अगले वाले की तरफ। ओके, तो ये आ चुका है डेजर्ट विलेज के अंदर, नहीं ये डेजर्ट टेंपल है, और ये डेजर्ट टेंपल के अंदर ये पिरामिड में आया, और नॉर्मली हम भी ये माइन करते हैं और नीचे जाते हैं, और ये नीचे गया, एंड व्हाट नेक्स्ट, इसने ये टीएनटी फोड़ दी, तो लूट क्या उठाने वाला है ये, व्हाट, ये टीएनटी साइड में फटे, यूजुअली तो नीचे होते हैं ना, तो मे बी ये करप्टेड सीट हो, आई डोंट थिंक गाइस ये रियल होगा, बिकॉज तुम जानते हो कभी कभी करप्शन की वजह से ऐसा हो सकता है, तो मुझे ये एकदम लेजिट तो नहीं लगता, बट देखते इसको लूट क्या मिलने वाली है अंदर। ओके, तो इसने ये चेस्ट ओपन किया, फिट व्हाट, गोल्डन एप्पल, वो भी एन्चेंटेड वाला, और 5 डायमंड्स। गाइस मेरे को ये अभी चेक करना पड़ेगा, वेट भाई अगर ये सच में रियल है ना तो मजा आ जाएगा। ओके, तो हम आ चुके अपने वर्ल्ड में अपने पिछले वाले की तरफ, हम टीपी एक लोकेट करते हैं, टीपी नहीं होते स्लैश लोकेट स्ट्रक्चर, इसका नाम है डेजर्ट पिरामिड। अब हम डायरेक्टली चलते हैं भाई, हम देखेंगे ही नहीं। ओके भाई लोगों, जैसा कि तुम पीछे देख सकते हो मैं एक पिरामिड पे लोकेट हो चुका, और तुम्हारे सामने बिल्कुल रैंडम था। अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं, अंदर जाके सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो उसने किया था। तो वो यहाँ से सिंपली अंदर गया था, अंदर जाने के बाद उसने इसको माइन किया था, और वो नीचे जाके उस पे कूद गया था, तो हम भी सेम प्रोसेस करेंगे, और हम यहाँ पे कूद चुके हैं। इसके अंदर लूट कैसा है हम देख लेते हैं, और एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल तो नहीं मिला, बट क्या मुझे यहाँ पे कोई चेस्ट मिलती है, यहाँ पे कोई भी चेस्ट नहीं है। आई थिंक वो उस बंदे का वर्ल्ड करप्शन की वजह से हुआ था, या फिर मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ। तो गाइस तुम इसे अपने वर्ल्ड में टेस्ट करो और मुझे बताओ कि क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या मैं ही अनलकी हूँ। ओके, तो ये एक डेजर्ट विलेज के अंदर, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे ये तो पॉन्ड टाइप है ना, और इसने पॉन्ड का पानी हटा दिया, फिर उसके बाद क्या करने वाला है। अभी वेट, नीचे क्या है ये, अभी सामने चेस्ट है, उस चेस्ट के अंदर क्या लूट है मुझे दिखाओ। वहाँ पे गया ये, ओके चल वहाँ पे जा रहा है, और ये चेस्ट, इसको खोल। इस चेस्ट के अंदर राइट नाउ तुम्हें टोटम दिख रहा है, और 5 गोल्डन एप्पल, कुछ बुक्स। भाई ये मुझे टेस्ट करना ही पड़ेगा भाई, ये ऐसी ओपी लूट शायद से कोई चेक करता होगा। अभी मैं फटाफट चलता हूँ अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर। ओके, तो मैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर तो आ चुका हूँ, और तुम देख सकते हो मेरे सामने एकदम तुम्हें दिख रही है फ्रेश विलेज, जो की है डेजर्ट विलेज। अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉन्ड्स का जरूरत है, और कुछ भी नहीं है। जैसे तुम्हें यहाँ पे एक पॉन्ड दिख रहा है, और ये कोई पॉन्ड नहीं है, ये तो सिर्फ एक जानवरों का पानी भरने वाला है, और सामने एक और पॉन्ड है, ये भी पानी भरने वाला, और ये है एक्चुअल वेल टाइप। मेरे ख्याल से हमें यही सब चाहिए। अब हम इसको बंद कर देते हैं, पहले हमने ये कर दिया वाटर सोर्स को बंद, और यहाँ पे अब कोई भी ब्लॉक नहीं
नहीं है जिसके अंदर पानी हो। आई डोंट थिंक यार ये वर्क करेगा क्योंकि उसका चार ब्लॉक का था और अपना ज्यादा, तो हम चार ब्लॉक की माइन करते हैं। नीचे कुछ भी नहीं है क्या, और नीचे मिलेगा फिट व्हाट? सच में हेलो, नीचे सच में कुछ है? अबे यहाँ पे क्या है? और रुक, मेरे चेस्ट में आग मत लगा, रुक जाओ, मैं तो उड़ के जा सकता हूँ ना, मेरे को क्या देखना अंदर क्या है? अबे मेरी में भी टोटम ऑफ अनडाइंग फेदर फॉलिंग रेस्पिरेशन स्विफ्ट स्नेक और ये गोल्डन एप्पल्स, भाई ये लूट बहुत अमेजिंग नहीं हो गई भाई? गोल्ड टोटम ऑफ अनडाइंग मिल गया भाई, इसके लिए रेड करानी पड़ती थी, तो ऐसे ही मिल जाएगा। गाइस तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में मिलती है तो मुझे कमेंट करके बताना। ओके भाई, फिर से कहीं डेजर्ट में घूम रहा है, इसको डेजर्ट बहुत पसंद है और ये डेजर्ट का ये विलेज का टावर टाइप देख रहा है। ओके हम सब जानते हैं इस टावर में ऊपर एक चेस्ट होती है, उसके अंदर बेसिक लूट होता है, कुछ यानी कि कुछ खास नहीं घटिया सा लूट होता है। ये भी ऊपर जा रहा है, अगर तू वही बोल रहा है कि वो रेयर है तो भाई वो सबको मिलती है। अब ये नीचे क्यों जा रहा है और ये बेड तोड़ रहा है विलेजर का, सोना था इधर को। बट व्हाट, नीचे कोई जगह है? और ये जगह कहाँ जाती है, दिखा मेरे को। और यहाँ पे भैया क्या बेसिक लूट मिलेगा? यहाँ पे आयरन गोलम कैद है और इसका क्या हो गया बेचारे का हाल? और यहाँ पे बहुत सारा आयरन है, ये आयरन 60 आयरन भाई एक बारी में मिल गया। अब कैसे क्योर करेगा क्या तू इसे? भाई कुछ अमेजिंग लूट तो नहीं है, बट भाई 60 आयरन बहुत बड़ी चीज है, चलो इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं ऑलरेडी एक डेजर्ट विलेज के अंदर हूँ भाई, मैं बहुत प्रो हो गया, मुझे पहले ही पता। और ये ना मेरा एक टावर, हम चलते इसके अंदर और सबसे पहले हम ऊपर जाके चेक कर लेते हैं ये हम ऊपर गए विलेजर मेरे साथ क्यों चल रहे हैं। और ऊपर चलते चलाते मैं पहुंच गया फाइनल यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी नॉर्मल सी चेस्ट है, उसके अंदर घटिया सा ये लूट है। अब हमें सिंपली जाना है अपना नीचे, और नीचे जाने के बाद मुझे उसका बेड रखा है यहाँ पे, ये बेड इसको तोड़ो और उसके नीचे का ब्लॉक। वेट व्हाट, यहाँ पे सच में एक रास्ता है? वेट है, मुझे भी नीचे आयरन कॉलम है, वो 60 आयरन मिलने वाला है। तो वेट, यहाँ पे आयरन कॉलम, बट मेरा आयरन कहाँ है? हेलो मेरा आयरन, मेरा गेम ने मेरे को आयरन नहीं दिया भाई, मेन लूट तो रह गया, मैं क्या करूंगा आयरन कॉलम का, ये तो विलेजर भी स्पॉन कर देते यार, बक यहाँ से यार। ओके तो अभी आ चुका है समुद्र के पास और नीचे तुम्हें दिख रहा है शिपरेक, जो कि हम सब जानते हैं इसके अंदर कभी बहुत अच्छा लूट भी मिल जाता है और एक ट्रेजर मैप मिलता है। ये बंदा आया ट्रेजर मैप ढूंढने, अगर तू मुझे सच में बताने वाला है ना कि वो ट्रेजर मैप ढूंढने के लिए तू कह रहा है, भाई ट्रेजर मैप के अंदर ऑब्वियसली बहुत अच्छा लूट होता है, उसको ढूंढना भी इसीलिए समहाउ टफ होता है। तो ये आ चुका अपने ट्रेजर मैप की लोकेशन पे, अब ये इसको माइन करेगा और उसे यहाँ पे एक चेस्ट मिलने वाली है, उसके अंदर बहुत प्यारा लूट होगा, मैं कह रहा हूँ देख लेना। इसको मिल चुकी है चेस्ट, ये बहुत इजीली मिल जाती है भाई, ऊपर ही ऊपर होती है, देखो कितना प्यारा लूट है भाई, तुम देख सकते हो भाई। अब इसे माइन करके उठा के निकल ना, अब क्या है इसमें? वेट व्हाट, नीचे 0.005 इसके अंदर, व्हाट ये क्या लूट है भाई? ये तो मेरे को आज तक पता यार, ये फेक है, ये इतना, ये कुछ ज्यादा ऊपर लूट नहीं हो गया, देखना इतने सारे आई ऑफ एंट्रेंस डायमंड, आओ अभी टेस्ट करके बता दो ये फेक है भाई। ओके गाइस तो मैं आ चुका हूँ शिपरेक के ऊपर, यहाँ पे शिपरेक है, नीचे शिपरेक को जाके खोल लेते हैं, ये रहा शिपरेक। अब मेरे को कुछ नहीं, बस मेरे को यहाँ पे एक ट्रेजर मैप निकालना है इसका, रुको मैं निकालता हूँ अभी। ओ भाई मेरे को लूट कितना प्यारा मिला और ये कुछ स्मिथिंग टेम्पलेट नया वाले में आ गया, बट यहाँ पे दो चेस्टें होती है ना, मेरे को दूसरे वाला चाहिए जिससे मेरे को ट्रेजर मैप मिले, ट्रेजर मैप है ही नहीं भाई इसमें, मेरे को दूसरी शिपरेक ढूंढनी पड़ेगी। ओके तो यहाँ पे मुझे एक और मिल चुकी है शिपरेक, हम यहाँ पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे चाहिए सिर्फ और एक ट्रेजर मैप, यहाँ पे जिसके अंदर क्या है? अबे यार यहाँ पे भी अच्छा लूट है यार, किसी को स्पीड रन करना है कुछ करना तो आधा लूट यहीं से ले सकते हो तुम लोग। और यहाँ पे एक ट्रेजर मैप है, वेट व्हाट? ओके भाई लोगों, जैसे तुम देख सकते हो मैं अपने क्रॉस के ऊपर आ चुका हूँ, बट ये अनफॉर्चुनेटली पानी के अंदर है, कोई बात नहीं हम जाके टेस्ट करते हैं। और यहीं कहीं होना चाहिए यार, यहीं कहीं मिल जाना चाहिए, और क्या यहीं कहीं पे तो होगा, ये देखो ऊपर ही ऊपर है यार, व्हाट द एक्चुअल हेल भाई, ये नेचुरली स्पॉन है, मैं तुम्हें सीड दे सकता हूँ। इसके अंदर दुनिया भर का पोर्शन ऑफ वाटर ब्रीदिंग आयरन इंगट एम्बरल्ड हार्ट ऑफ सी एक डायमंड और एक स्वॉर्ड और टीएंट, इतना कुछ भाई। बट इससे ज्यादा तगड़ा लूट मेरे को नीचे मिलना चाहिए ना इसके, और यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है यार, ये स्कैम है भाई, मैं तुम्हें बोला था मैं इतना नीचे तक माइन कर चुका हूँ तुम देख सकते हो, बट भाई ये लूट अपने आप में बहुत कुछ है, तुम देख सकते हो मुझे कितना कुछ मिल गया है। ओके तो ये एक विलेज के अंदर है जिसका चांस सिर्फ 1% है स्पॉन होने का, बट ये क्या है? इसने यहाँ पे वेल का पानी हटाया और ये माइन कर रहा है स्टोन को, तो नीचे कुछ है क्या? अबे नीचे सच में एक रूम है भाई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि नीचे कोई रूम होगा। और यहाँ पे इसने चेस्ट खोली इसके अंदर, तो यार ये अजीब सा ही लूट है, क्या फायदा इस लूट का? और इस लूट की मदद से इसने बहुत सारे डायमंड्स लिए, आर यू सीरियस? ये तो लाइक हैक हो गया गेम का भाई, ये मेरे को टेस्ट करना ही पड़ेगा, चलो फटाफट से अपने वर्ल्ड में चलते हैं। ओके तो मैं आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर, तुम देख सकते हो क्या ही स्पॉन मिला है भाई हमको, एक नंबर। ओके तो अब मैं काम करता हूँ, फटाफट से एक विलेज पे टीपी हो जाता हूँ, तुम में से जो
लोग भी ये कहते हैं कि ये कहां से आता है सीड बीट। देखो गाइस मेरा ये वर्ल्ड मुझे एक एडमिन सेट करके देता है और तुम देख चुके हो मैं आ चुका हूं एक विलेज के अंदर, मेरे को बस यहां पे एक चाहिए वेल। ओके तो तुम सामने देख सकते हो मुझे एक वेल मिल गया, ये सामने मेरे वेल है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहां से एक कोबलस्टोन लूंगा और यहां पे लगाऊंगा तो ये पानी हो गया बंद, फिर हम इसको तोड़ देंगे बूम 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 और बस नीचे जाना। मैं नीचे कुछ नहीं मिलेगा लेकिन यहां पे सच में मिल गया। अबे यहां पे ये भी है, रुको इसके अंदर गोल्डन कैरेट्स और नॉर्मल कैरेट्स है, तो क्या मेरे को भी ट्रेड मिलने वाला कोई गोल्डन कैरेट का? मुझे डायमंड चाहिए प्लीज। है भाई ये तो नॉर्मल है यार, ये तो स्कैम निकला भाई। जगह है यहाँ पे गोल्डन कैरेट भी थे ये देखो, लेकिन उसके अलावा कुछ और है ही नहीं और इसका ट्रेड भी नहीं है यार, ये तो बेकार निकला यार। गाइस तुम अपने वर्ल्ड में ढूंढ के बताओ क्या तुम्हारे वर्ल्ड में तुम्हें कोई अच्छी ट्रेड वाला मिला या नहीं मिला। ओके तो नेक्स्ट के अंदर ये जंगल बायोम में और यहाँ पे जंगल का पिरामिड है सामने, इसका चार्ज 0.5, ये पहले इतना रेयर होता है यार जंगल पिरामिड। उसके अंदर ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ओके तो ये नीचे के कुछ ब्लॉक्स माइन कर रहा है। नीचे क्या है? अबे नीचे कुछ पार्कोर टाइप है और ये सामने इसको क्लियर करके चेस्ट और गोल्डन ब्लॉक्स रखे हैं। रुको रुको रुको, ये सामने गया इसी कूदा में कुछ चेस्ट दिखा, चेस्ट के अंदर क्या है? गोल्डन ब्लॉक्स से भी ज्यादा। रुको रुको, इसके अंदर लेजेंड इतना तगड़ा लूट है, डायमंड का आर्मर और डायमंड और इतना कुछ। भाई मेरे को ये पक्का टेस्ट करना ही पड़ेगा। रुको रुको चलते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर और वहां पे देखते हैं क्या ये सच में होता है या नहीं होता है। ओके गाइस तो मैं आ चुका अपने वर्ल्ड के अंदर, अब मैं टीपी हो जाता हूँ फटाफट से उस जगह पे। तो ये हो गया हूं मैं टीपी जंगल बायोम के अंदर। और हेलो ये कैसा जंगल बायोम है? अबे पीछे जंगल बायोम के बिना ही पीछे जंगल पिरामिड है। हेलो ये सच में देखना। अबे अच्छा जंगल बायोम यहां से स्टार्ट होता है गाइस, ये जंगल पिरामिड ऑलरेडी बहुत रेयर होता है। तो मैं काम करता हूं इसके अंदर घुस जाता हूं, कहीं ना कहीं से तो एंट्रेंस होगा ना। ये रहा देखो, तो वो यहां पे गया और उसने टॉर्च लिया था। भाई मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो करने वाला जैसा वो बंदा कर रहा था। उसने टॉर्च लेके यहां पे कहीं पे तो यहां पे लगाया था टॉर्च और फिर वो यहां पे आके स्टेयर्स के पास वाला माइन कर। अबे नीचे सच में ट्रायल है, बट यार मेरा वाला थोड़ा टफ है क्या? ओके भाई मेरे से जंप ना हो रही, मैं नूब हूं, मैं एक बार और ट्राई करूंगा। ये गया मैं बूम, अरे मैं गिर गया नीचे भाई। एक बार और ये छोड़ो भाई, मैं इसी देख लेता हूँ। गाइस देखो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, मैंने पार्कोर कंप्लीट कर लिया। मैं प्रो लिख दो कमेंट में तुम। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या, हमें भी डायमंड आर्मर रियलिटी में मिल चुका भाई। तुम देख सकते हो इसके अंदर डायमंड आर्मर, डायमंड्स और ये कुछ ग्लिस्टरिंग मेलन स्लाइस, थॉर्स 3 मोस्टली ब्लॉक और गोल्ड, इतना कुछ है भाई। ये इतना रेयर है कि भाई तुम्हें मिलना इम्पॉसिबल है, बट अगर तुम्हें मिलता तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इतना अमेजिंग लूट मिला या नहीं मिला। चलते हैं अब अपने अगले वाले रूम की। ओके तो ये आ चुका है एक विलेज के अंदर और ये तो अपना ब्लैकस्मिथ है ना, ब्लैकस्मिथ की लूट सबसे अमेजिंग होती है एज यूजुअल भाई। तुम देखते तो डायमंड है, ये तो होती हो। इसने ऊपर का मोस्टली ब्लॉक माइन किया और ये ऊपर गया और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत अंधेरा है और यहाँ पे चेस्ट है सच में, और अंदर डायमंड का चेस्ट प्लेट। व्हाट, मेरे को टेस्ट करने दो। रुको रुको, हम एक रैंडम विलेज लोकेट मार के देखते हैं, उसके अंदर ये मिल गया ना तो भाई रियल होगा। मैं तुम्हारे सामने एक रैंडम विलेज लोकेट मार रहा हूँ एंड यहाँ पे ब्लैकस्मिथ मिल जाए बस एक। ओके तो मैं कोई विलेज के अंदर तो आ चुका। अरे ये तो वही वाला विलेज है ना, इसके अंदर एक ब्लैकस्मिथ नहीं है गाइस, मेरे को दूसरा विलेज ढूंढना पड़ेगा। रुको मैं दूसरा लोकेट करता हूँ। ओके गाइस जैसा कि तुम देख सकते हो मैं आ चुका हूँ एक विलेज के अंदर जिसके अंदर ब्लैकस्मिथ एग्जिस्ट करता है। तो हम फटाफट चलते हैं उस ब्लैकस्मिथ के पास और यहाँ पे वो बंदा भी ऐसे नॉर्मली अंदर आया था। वो यहाँ पे आके अंदर गया और अंदर जाके उसने चेस्ट खोली और मेरे वाले में तो घटिया लूट है भाई, उसका बहुत प्यारा लूट था। तो वो यहाँ पे गया था, यहाँ पे मोस्टली ब्लॉक था, ऊपर तोड़ा था और ऊपर एक चेस्ट। वो है कि वो सच में यहाँ पे चेस्ट, इस चेस्ट के अंदर डायमंड का चेस्ट प्लेट, आयरन पिकेक्स और डायमंड और ऑब्सीडियन। आर यू सीरियस गाइस? मुझे नहीं लगता ये रियल है भाई, ये जो मेरा सर्वर सेटअप करने वाला है फेक होगा भाई। इतना ओपी लूट भाई कैसे एग्जिस्ट कर सकता है भाई? भाई ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लूट नहीं हो गया है भाई? अगर तुम्हारे वर्ल्ड में भी है तो मुझे अभी कमेंट करके बताओ भाई, वरना ये एडमिन पक्का स्कैम कर रहा है, हम सारे मिलकर मारेंगे एडमिन को। ओके तो एक डेजर्ट टेम्पल है और इसके सामने क्या है, ये क्या नोटिस कर रहा है? अच्छा यहाँ पे थोड़ा शेप चला गया, इसका स्पॉन होने का चांस सिर्फ 5% है, ये बहुत ज्यादा ही कम हो गया है। क्वेश्चन और क्या डिफरेंस क्या है वहाँ पे? अच्छा थोड़ा अलग बना हुआ है वो। यहाँ का रास्ता कहाँ है? वेट व्हाट, ये से माइन कर रहा है और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ये विलेजर का आवाज मुझे ही आ रहा है, तुम्हें भी आ रहा है? ये यहाँ स्पीड रन क्यों करने लगे? अबे यहाँ पे विलेजर बंद होता है? आर यू सीरियस भाई? ये तो मुझे फेक लग रहा है यार, विलेजर कोई बंद नहीं होता यार, ये आई डोंट थिंक असली है गाइस। जब मैं इसको एक बार टेस्ट करने जा रहा हूँ, ये मुझे चेक करना ही पड़ेगा भाई, मुझे देखना यार। ओके गाइस तुम देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर, अब हम फटाफट चलते उसको टेस्ट करने। यार मुझे वो फेक लग रहा है, मैं इसको पकड़ के रहूंगा ये रियल है या फेक है। तो फटाफट चलते डेजर्ट टेम्पल के ऊपर, उसका कोऑर्डिनेट चाहिए रे। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे टीपी। ओके गाइस तो तुम जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो, मेरे पीछे एक डेजर्ट टेम्पल है और ये टेम्पल ही मैंने स्पेसिफिकली क्यों चुना है, तुम देख सकते हो ये इसका नेचुरल स्पॉन है। और इसका स्ट्रक्चर देखो और इसका स्ट्रक्चर देखो, यूजुअली तुम देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, बट यार उस बंदे का तो कुछ अलग सा बना हुआ था यहां से।
बट मेरे वाले में ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या पता हमें इसके अंदर कुछ तो अलग मिल जाए। तो ओके मैं अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल डेजर्ट टेम्पल जैसे तुम देख सकते हो, और नीचे अपना वही ब्लॉक्स ब्लॉक्स रहते जो सिंपल लूट है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, बट उसके में यहाँ पे एक रास्ता नहीं था। और यहाँ पे ये क्या है, वेट व्हाट, यहाँ पे विलेजर तो नहीं है, बट ये क्या है भाई, ये तो एक रुइन पोर्टल टाइप है ना, वेट व्हाट, ये रुइन पोर्टल है या नहीं है भाई, पता नहीं ये क्या है, बट आई थिंक ये कुछ अमेजिंग है जो भी है भाई। लेकिन यार मेरे को यहाँ पे अलग सा स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि एक रास्ता बंद होना चाहिए और यहाँ पे कोई विलेजर मिलना चाहिए ना, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार। आई डोंट नो गाइस ये रियल था या फेक था, बट हमें कुछ तो यहाँ पे रेयर मिला है जो कि तुम देख सकते हो। अलग स्ट्रक्चर के अंदर तुम्हें कुछ भी मिल सकता है इसका मतलब। तो मेरे को मिला एक रुइन पोर्टल, तुम लग की वजह तुम्हें कुछ और मिल सकता है। तुम्हें क्या मिलता है मुझे कॉमेंट करके बताना। ओके तो अगला वाला कुछ ये डार्क फॉरेस्ट की तरफ है, और यहाँ पे 25% चांस है, तो बायोम का चांस हो गया ना गैस। और ये मशरूम के नीचे कुछ माइन कर रहा है, बट इसे कुछ नहीं मिला, और इसने एक और माइन किया, इसे यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। तो ये करना क्या चाह रहा है, इसने एक और, भाई कितना माइन करेगा तू, क्या है यहाँ पे 25% चांस किस चीज का है, ये तो बायोम का ही हो गया ना। और वेट व्हाट, ये कितना अजीब सा दिख रहा है, ये काफी लंबा नहीं है, और यहाँ पे एक वो छिपा हुआ है, वेट यहाँ पे एक चेस्ट है, इस चेस्ट के अंदर, इस चेस्ट के अंदर एक डायमंड शवल और मशरूम्स और स्ट्यू वगैरह पड़े हुए हैं। भाई ये मेरे को टेस्ट करना है भाई, तुम्हें फ्री में डायमंड शवल मिल रहा है। आई नो शवल तुम लोग सोच रहे हो इतना यूज नहीं है, बट डायमंड का टूल तुम्हें फ्री में मिलना बहुत बड़ी चीज है यार। ओके तुम जैसा कि तुम देख सकते हो मैं आ चुका हूँ डार्क फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ पे डार्क फॉरेस्ट कहाँ है भाई, यहाँ पे डार्क फॉरेस्ट के तो कुछ ही पेड़ लग रहे हैं, तो जंगल बायोम में, लेकिन मुझे तो सिर्फ मशरूम वाले पेड़ से मतलब है, और क्या ही मतलब है। तो हम चलते अपने पेड़ों की तरफ, तुम यहाँ पे, मैं आ चुका हूँ इस पेड़ को उजाड़ने, और ये पहले ही उजड़ा हुआ है भाई। इसके नीचे वाले ब्लॉक में यहाँ पे मुझे चेस्ट होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी चेस्ट नहीं है यार, ये क्या मतलब है। उसको कुछ अलग सा मशरूम मिला था, वेट यहाँ पे एक और है, ये भी उजड़ा हुआ था मैंने भाई, ये क्या, ये देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अबे यहाँ पे भी कुछ नहीं है भाई, तो क्या ये फेक है या फिर मेरे को दूसरे बायोम्स में जाके टेस्ट करना चाहिए गाइस। बट ये थोड़ा सा अलग है, देखना ये एक उजड़ा हुआ चमन है भाई, चड्डी पहन के फूल गिराए के अंदर ये ऐसे मशरूम वाले होते हैं, बट ये थोड़ा सा अलग है, उसका भी थोड़ा लंबा सा था और अलग सा था। तो हम इसको देखते हैं, इसके नीचे चेस्ट सच में है, डायमंड शवल भी है भाई, आर यू सीरियस भाई, ये छोटी छोटी लूट तुम्हें बहुत ओवर पावर बना देती है, और भाई ये लेजिट में होता है गाइस। तुम लोगों को टेस्ट करके बताना कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसा अजीब सा स्ट्रक्चर तुम्हें मिलता है या नहीं मिलता है। और अब हम चलते हैं अपने अगले सीक्रेट रूम की तरफ। ओके तो इसका चांस 11% है, और ये एक इग्लू है मेरे को जितना याद है, और इग्लू के अंदर ये क्या कर रहा है, इसने कारपेट उजेड़ रहा है, के कारपेट क्यों उखाड़ रहा है, क्या मिलेगा यहाँ पे तेरे को, और इसने कारपेट उखाड़, और यहाँ पे ट्रैप डोर है, वेट व्हाट नीचे क्या है। आई गेस ये तो पुराना अपडेट था, बट ये चेंज्ड है, वो यहाँ पे स्नो नहीं होती, और यहाँ पे एक विलेजर कहता है, ये क्या, ये सच में होता है एक लैबोरेटरी से टाइप, और ये यहाँ पे टेस्ट कौन कर रहा है, वेट मेरे को जाने दो, रुको गाइस हम फटाफट से चलते हैं इग्लू की तरफ। भाई बिना देरी करे आना चाहता हूँ, ये इग्लू कहाँ है यार, ये क्या चेरी बायोम मिले, पागल हो गया क्या मेरा एडमिन, क्या इस जगह मुझे कोऑर्डिनेट दे रहा है। ओके गाइस हम यहाँ के नजारे पे ध्यान नहीं देते, और ये हमारा सामने इग्लू है जो कि प्रॉपरली इसके अंदर ढल चुका, मुझे दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ पे ये फूल उखा लेते, मेरे को कोई ट्रैप डोर क्यों नहीं मिला भाई, ये फेक बनाते हैं क्या सब कुछ। भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं मेरे को, तो उसको इस वाले ब्लॉक में मिला था, वेट मैं स्पेक्टेटर मोड में जाके वेरीफाई करता हूँ। भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तुम देख सकते हो ये मैं माइंड करके आऊँ और कुछ है ही नहीं, क्या मेरा किस्मत खराब है या ये सच में एग्जिस्ट नहीं करता। वेट गाइस मैं थोड़ा सा दूसरे इग्लू पे जाके देखता हूँ, मे बी वहाँ पे ये चीज वर्क कर जाए। ओके गाइस तो आ चुका हूँ अपने सेकंड इग्लू की साइड, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये कोई स्नो बायोम में बढ़िया इग्लू। ओके ये रहा यार, ये बायोम में इतना मर्ज हो जाता है, मैं सोचता हूँ लोग इसे ढूंढते कैसे होंगे। ओके तो इस इग्लू के अंदर मेरे को आना है, और यहाँ पे कारपेट हटाने, और कारपेट आने के बाद मुझे इस बार भी ट्रैप डोर नहीं मिला, तो ये फेक हो सकता था भाई, बट ये रियल है। वेट व्हाट यहाँ पे क्या, उसके में तो डायरेक्ट नीचे गिर गया था, मेरे में लैडर्स लगे हुए हैं, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे, ओके क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कुछ भी नहीं, और यहाँ पे एक विलेजर बंद है, इस विलेजर को कैद किसने किया, यहाँ पे पोशन भी है, पोशन ऑफ वीकनेस, तो कोई इसको क्योर किया है गेस यहाँ पे इस जॉम्बी विलेजर, और इसके अंदर एक गोल्डन एप्पल भी है भाई, पूरा सामग्री अवेलेबल है भाई। क्या इस इग्लू के अंदर कोई ऐसा बंदर रहता था जो यहाँ पे ये टेस्ट करता था, या फिर इनको क्योर करने वाला था भाई, ये क्या मिस्ट्री है, इसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बट ये रूम तो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है यार, आई गेस ये तुम्हें अपने वर्ल्ड में भी इजीली मिल जाएगा गाइस, तो तुम लोग भी अपने वर्ल्ड के अंदर जाओ, इसको टेस्ट करो, और मुझे बताओ कि तुम्हें ये वाला मिला कि नहीं मिला। ओके तो अगले वाले के लिए ये जा चुका है डेजर्ट टेम्पल, क्या है ये डेजर्ट का छोटा सा वो विलेज लोकेटर टाइप होता है ना, ये जहाँ मिलता है वहाँ पे विलेज होती है, तो इसने इसका पानी हटा दिया और नीचे माइन कर रहा है, एंड ये नीचे जाए जा रहा है, और नीचे वेट व्हाट ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे चेस्ट है, ओके और ये चेस्ट के अंदर क्या लूट है, मेरा क्वेश्चन ये ओके और यहाँ पे दो अमेजिंग पोशंस रखे हुए, गोल्ड रखा हुआ है, ये मुझे डेफिनेटली चेक करना है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इस जगह पे भी कुछ मुझे मिल सकता है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि हम तुम्हारे आसपास कोई विलेज है। ओके गाइस तो मैं अपने वर्ल्ड के अंदर तो आ चुका हूँ, फटाफट से हम टीपी हो जाते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ, जो कि एक विलेज लोकेटर या इसको जो भी कहते हैं, ये छोटा सा टेम्पल है जो तुम मेरे पीछे देख सकते,
सकते हो, इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि तुम्हारे आसपास कहीं पे विलेज है, वो भी डेजर्ट बायोम वाली। तो बेसिकली सिर्फ ये विलेज लोकेटर जैसा काम करता है। अब देखते हैं क्या सच के इसके अंदर कुछ एग्जिस्ट करता है। तो मैंने पहले पानी हटा देता हूँ। ओके, तो मैं ये पानी हटा चुका हूँ, उसने नीचे माइंड किया था, नीचे उसे कुछ तो जगह मिली थी भाई। सच में ये मैं लेजिट एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। और यहाँ पे भी गोल्ड और पोशन स्पीड का है ये, और ये पोशन ऑफ रीजनरेशन, और वो भी 3 मिनट का, और ये 0.4 सेकंड। भाई 3 मिनट का गोल्ड भी है गाइस। आई थिंक ये काफी अच्छा लूट है देखा जाए तो। और ये एक सीक्रेट रूम है भाई, आई डोंट थिंक कोई भी यहाँ पे इमेजिन कर सकता है, नहीं क्योंकि इसका मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि सांप पास में तुम्हारे विलेज है। तो ये रूम तो सच में एग्जिस्ट करता है, तुम्हारे में नहीं करता है या नहीं करता तो मुझे बताना गाइस। इसका स्पॉन होने का चांस ऑलरेडी बहुत लो होता है, तो अगर ये तुम्हारे के अंदर नहीं होता है तो गाइस बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मे बी किसी और दिन मिल जाए। ओके, तो अभी आ चुका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, और इसके अंदर ये 0.002% चांसेस है, ये सबसे कम होगा अब तक का। और ये यहाँ पे कुछ बुक शेल्फ माइन कर रहा है, क्या बुक नहीं उठा रहा तो कर क्या रहा है भाई। तो यहाँ पे ये करे, और यहाँ पे डोर है, और ये डोर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे क्या है ये, और यहाँ पे चेस्ट है, इसको खोलना मुझे दिखा इसके अंदर क्या लूट है ऐसा। अरे ऊपर का तोड़, हाँ ऐसे इसको, इसके अंदर एक एन्चांटेड गोल्डन एप्पल है भाई। भाई तुम इनविंसिबल हो जाते हो उसको खाने के बाद ऑलमोस्ट। भाई मेरे को इसको लेजिट टेस्ट करना पड़ेगा, वेट गाइस। ओके, तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ के स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, और ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। मैं फटाफट से टीपी हो जाता हूँ, मैं आ चुका हूँ। अरे यार स्ट्रॉन्ग होल्ड नीचे होता तो मैं फटाफट से चलता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड और फिर तुमसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मैं एक लाइब्रेरी के अंदर तो आ चुका हूँ जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी आवाजें आ रही है, तो इसके अंदर कोई एले वाले यहीं पे मिल जाती है क्या, मुझे तो पता नहीं है। बट वो बंदा यहाँ से पहले ऊपर गया था, मैं भी एग्जैक्टली वही फॉलो करने वाला हूँ ताकि मुझे पता लग पाए ये रियल है या फेक। और यहाँ पे उसने कुछ बुक शेल्फ माइन की है, और बुक शेल्फ माइन तो थर्ड वाले के अंदर मिल गया था मेरे को कुछ क्यों नहीं मिला भाई। वहाँ पे भी रुको, ये वाले ट्राई करता हूँ। यहाँ पे भी नहीं है, फिर यहाँ पे भी नहीं है भाई, ये फेक था क्या। और यहाँ पे यहाँ पे सच में एक डोर है, उसके अंदर एक चेस्ट भी है। ओके, मेरा वाला चेस्ट खुला हुआ, इसके अंदर एक्चुअली एन्चांटेड गोल्डन एप्पल है भाई। और बुक्स क्या है, कौन सी बुक्स है, एफिशिएंसी 5, नॉकबैक 2, स्माइट 3। सच में कुछ ज्यादा अमेजिंग नहीं हो गया गाइस। गाइस ये रूम्स तो मेरे वर्ल्ड में तो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं जो कि मेरे एडमिन ने सेटअप किया है, क्या ये तुम्हारे में एग्जिस्ट करते हैं मुझे अभी कमेंट करके बताओ। ओके, तो एक विलेज के अंदर इसका चांस सिर्फ 0.1% है, और इसने ये नीचे लैडर के नीचे वाला ब्लॉक माइंड किया, और ये नीचे क्या छिपा हुआ है भाई। यहाँ पे एक विलेजर बंद है, और ये क्लेरिक कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अपना एक्सपेरिमेंट का सारा आइटम रखा है यहाँ। और ये तुम लूट देख रहे हो, एक रॉटन फ्लैश के बदले 69 भाई। तो इसका मतलब क्लेरिक ही विलेजर्स बनाता है या कुछ थ्योरी निकल के आती है भाई। जो भी है मुझे टेस्ट करके देखना पड़ेगा, हम चलते अपने वर्ल्ड की तरफ। ओके गाइस, तो जैसे तुम देख सकते हो मैं आ चुका अपने वर्ल्ड के अंदर, और पीछे मेरे विलेज है, तो फटाफट से चलते क्लेरिक के घर पे जो कि मेरी विलेज के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। मुझे एक और विलेज की जरूरत पड़ने वाली है यार, मेरी किस्मत कितनी ही खराब हो सकती है। ओके भाई वेट, सामने एक और विलेज है, अपना काम हो गया। सामने ही क्लेरिक का घर तुम्हें दिख रहा है, वहां पे एक्सपेरिमेंट करता रहता है, जाके उसे धप्पा बोलते, भैंस की टांग क्या कर रहा है। ओके, तो मैं आ तो चुका हूं इसके घर के बाहर, अब मैं देखता हूं ये कहां है भाई। क्लेरिक देखो बाहर घूम रहा है, ये अपना बाहर आराम से मंडोली कर रहा है, हम अंदर जाके इसके घर की तलाशी लेते हैं। उसने घर के नीचे वाला ब्लॉक माइंड किया था, और ये सच में एग्जिस्ट करता है, आर यू सीरियस। और नीचे क्लेरिक होगा, ये रहा इसका ट्रेड। अरे इसका ट्रेड वैसा क्यों नहीं है यार, और इसने यहाँ पे किसी को बंद कर रखा, लगता है इसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया है। और यहाँ पे क्या है, इतने सारे पोशंस भाई, ये पोशंस तो तुम देख रहे हो, ये वीकनेस का पोशन क्योर व्योर करने के लिए हम यूज करते हैं भाई। ये लेजिट को एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, इसके अंदर एन्चांटेड गोल्डन एप्पल और गोल्डन एप्पल। भाई तू लेजिट को एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, इससे पहले मेरे पे एक्सपेरिमेंट करे, हम अपने अगले सीक्रेट रूम की तरफ चलते हैं। ओके, तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाने वाला है। तो ये आगे इसका चांस है 0.0069%, ये मेरा फेवरेट होने वाला है। ओके, इतना अच्छा परसेंटेज, माय फेवरेट। और ये आ चुका स्वैम्प हट के अंदर, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं विच हट। यहाँ पे एक विच रहती है, और उसकी काली बिल्ली इसीलिए बहुत पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा रेयर है। अब हम देखते हैं क्या दिखाने वाला है। तो ये कुछ नीचे पिलर के नीचे माइन कर रहा है, इसने कुछ माइन किया, एक ब्लॉक दो ब्लॉक, और नीचे कुछ है। बट व्हाट, ओ माय गॉड, तुम सामने देख रहे हो, तुम सामने अभी देख रहे हो राइट नाउ, कितना अच्छा लूट है। और ये किसका फेस बना हुआ है यार। और भाई ये हट पहले ही इतनी रेयर होती है, इतनी सारी लूट रखी हुई है भाई, मैं इसको लेजिट देखना चाहता हूँ भाई, ये बहुत रेयर होने वाला है। मैं देखता हूँ क्या ये मुझे मिल पाएगा, मेरे पास एक सीड है उसके अंदर जाके ट्राई मारता हूँ। ओके गाइस, तो मैं अपने वर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका हूँ। चल बे क्लेरिक, तू नीचे जाके अपना एक्सपेरिमेंट कर, मैं जा रहा हूँ भाई साहब अपना ढूंढने /TP डार्क लॉर्ड गेमिंग। और ये रहे मेरे कोऑर्डिनेट्स स्वैम्प हट के। तो मैं आ चुका हूँ स्वैम्प हट के सामने, जैसा कि तुम देख सकते हो, हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे नॉर्मली एकदम सब कुछ, अंदर कोई विच वगैरह होती नहीं है, बाहर टहल रही होती है वो, और एक काली बिल्ली यहीं घूम रही। तो हमारा काम है नीचे, हमें नीचे जाना है, और नीचे जाके पिलर के नीचे वाला ब्लॉक माइंड कर रहा है, और मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। व्हाट, अच्छा मे बी इस पिलर के नीचे, और देखता हूँ रुको, इस पिलर के नीचे भी कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ है। अबे यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, खाली है ये इस वाले पिलर के नीचे। अरे भाई कहीं तो कुछ होगा, क्या ये फेक था यार, फेक ही होगा, ऐसा शक्ल वकल कहां से बनाया गया यार माइनक्राफ्ट में। देखो यहाँ भी कुछ नहीं है,
और यार यहाँ वाले पे भी कुछ नहीं, क्या पता थोड़ा नीचे मुझे जाना हो। वेट मैं थोड़ा नीचे माइन करके देखता हूँ, थोड़ा नीचे माइन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बनता है यार। भाई यार मुझे नहीं लगता कि ये रियल है, बिकॉज तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या। वेट अबे यहाँ पे तो कोई छोटा सा केव टाइप है और यहाँ पे रोशनी कैसी। भाई लेजिट होता है ये, लेकिन मेरे में फेस क्यों नहीं है यार। मैं मेरे को फेस चाहिए था वाला, और वो फेस भी नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ लूट रखी हुई है इतनी सारी। लेकिन यार ये तो मुझे यार फेक लग रहा है यार, मेरे को लग रहा है मेरे एडमिन ने मेरा स्कैम कर दिया खुद बना के। लेकिन भाई अगर ये लेजिट में रियल में होता तो सोचो ये कितना आसान कर देगा गेम को। भाई ये विच अपना सीक्रेट नीचे छुपा के रखती है, और ये ऑलरेडी इतना रेयर होता है, और इसका परसेंटेज तो 0.0069% है भाई। अगर ये रियल है तो गाइस ये लेजिट एक नंबर है। गाइस तुम अपने वर्ल्ड में ढूंढ के बताओ क्या ये रियल है, मुझे अभी कमेंट करके बताओ। ये मेरा फेवरेट होने वाला है। अब मेरे को बस कोई नेदरराइट की लूट वाला कुछ दिखा दो, अब हम चलते हैं अपने अगले रूम की तरफ। ओके तो हमने ये वाला देख लिया है, और ये हमारा थोड़ा अलग निकला या फेक निकला है। इसका चांस 0.0042% है, और ये जंगल पिरामिड के अंदर है। मैं लास्ट वीडियो में भी जंगल पिरामिड के अंदर आए थे ना, बट इसने कुछ और माइंड किया है। और ये कहां पहुंच गया, अपना वाला बहुत डिफरेंट था भाई। और ये अंदर ओपी लूट रखा है इतना सारा, और ये सामने एक लीवर है ना, ये लीवर को इसने प्रेस किया और सामने गया। निकट डोंट, मत जा भाई, मना कर रहा है वो नीचे क्यों। अबे घंटा है भाई, नीचे मत जा। ओके तो नीचे क्या होने वाला, और ये नीचे वार्डन है। ये कैसा वार्डन, इसका स्किन देखो। अबे मरा ये, मरा मरा भाई, गया तू, गया तेरे, लग गए मरा भाई। ये लेजिट सबसे खतरनाक हो सकता है, मेरे को देखना है, मुझे ये वार्डन चाहिए भाई, मेरे को इसको अपने वर्ल्ड में टेस्ट करना अभी के अभी। ओके गाइस तो मैं आ चुका हूँ जंगल पिरामिड के सामने, तुम देख सकते हो, और कितनी प्यारी जगह पे है भाई ये, तुम देखना लाइक एकदम बढ़िया जगह बना हुआ है, कितना प्यारा जंगल है, और ये बीच में एकदम कोने में निकला हुआ है बढ़िया। अब हम अंदर जाके देखते कि वो वार्डन इतना प्यारा है या नहीं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, और मैं टॉर्च ले लेता हूँ, बहुत अंधेरा है। ओके तो यहाँ पे तो नॉर्मल है, और ये लीवर से और उसे इस साइड आके उसने, ये किसका वजह है चलेगा यहाँ पे, क्रीपर चल रहा है भाई, एक बार के लिए डरा दिया था भाई, कोई नहीं चल रहा, चलो एक आगे चलते हैं हम। यहाँ पे ये था लीवर्स, और यहाँ पे उसने ये वाला ब्लॉक तोड़ा था, और नीचे सच में है भाई एक और, भाई सच में। लेकिन उसका वाले में बहुत सारा चेस्ट था, मेरे में एक ही क्यों, और मेरे एक में भी इतना लूट है भाई, गोल्ड है, डायमंड्स और डायमंड स्वॉर्ड और पिकेक्स, भाई आधी चीजें तो यहीं से मिल गई गेम की, डायमंड माइनिंग की जरूरत क्या है। लेकिन इसका चांस भी तो बहुत रहा है, लेकिन यार इसमें लीवर भी था, मेरे को वार्डन चाहिए, मेरे में कोई लीवर क्यों नहीं है। उसका पीछे की साइड यहाँ पे था ना, जहाँ चेस्ट थी उसके अपोजिट एक रूम सा था, क्या मेरा थोड़ा अंदर जाके होगा। मेरे में कुछ नहीं है यार, मेरे में नीचे ऊपर कुछ नहीं, मुझे वार्डन चाहिए, मुझे वार्डन दो, वो वार्डन अच्छा था। रुको मैं स्पेक्टेटर में जाके देखता हूँ, मैं आ गया स्पेक्टेटर के अंदर, वार्डन दो मुझे प्लीज यार, वार्डन नहीं है यार। यहाँ पे नीचे लश केव है, और उसके नीचे लावा है, दूर दूर तक वार्डन का कोई भाई साइन नहीं है यार, यहाँ तो बायोम तक नहीं है भाई, वो फेक था यार। उसके नीचे सिर्फ चेस्ट मिलती है, और ये बहुत अमेजिंग चेस्ट है भाई, मतलब स्टार्टिंग के लिए एक नंबर भाई। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले रूम की तरफ, मेरे को उसमें नेदरराइट दिला दो, कसम से मजा आ जाएगा अब, क्योंकि मेरे को नेदर में जाना पड़ता है, और वो बहुत खतरनाक है। ओके तो अगला वाला है स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के अंदर, इसका चांस 88% है, यानी कि बहुत कॉमन होने वाला है। इसने यहाँ पे लावा बंद किया, और ये कुछ ब्लॉक्स माइन कर रहा है नीचे देखने के लिए, बट नीचे कुछ भी नहीं मिला, इसे पागल है भाई पोपट। अब ये यहाँ पे भी साइड वाले पे है चेक करने, और यहाँ पे खोद रहा है, और इसे कुछ नहीं मिल रहा है अगेन। ओके वेट व्हाट, 2.5% हो गया चांस बस, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेस्ट है, चेस्ट के अंदर इंटरपोल से। गाइस सोचो तुम्हें स्पीड रन करना, और तुम्हें इंटरपोल नहीं मिल रही हो, तुम यहीं से ले सकते हो। लगता है माइनक्राफ्ट ने खुद ही डाला होगा भाई, जो प्लेयर्स को इंटरपोल कम पड़ती होंगे, नहीं मिलती होंगी, वो यहाँ से उठा लेंगे, तो आई गेस ये सबसे बेस्ट होगा। और ये यहाँ पे एक एंचांटेड गोल्डन एप्पल भी है। ओके भाई यहाँ पे ट्रैप भी है भाई, ये भाई लेजिट, अगर ये रियल है तो मजा आ जाएगा, क्योंकि भाई इंटरपोल मिल जाएंगे, और अगर तुम दिमाग से करो तो भाई तुम्हारा TNT भी नहीं फटेगा भाई, तुम्हें पर्ल्स भी मिल जाएंगे। मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर, फटाफट से चलते हैं। ओके तो मैं अपने वर्ल्ड के अंदर आ गया हूँ /tp.darklordgaming, और चलते स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ, और ये मैं गलत जगह आ गया, स्ट्रॉन्गहोल्ड जाना है, नहीं स्ट्रॉन्गहोल्ड नीचे हो सकता है ना, स्ट्रॉन्गहोल्ड ऊपर थोड़ी होता है। ओके तो मैं नीचे जाके देखता हूं, विद व्हाट, नीचे होना चाहिए ना, रुको रुको रुको। ओके गाइस स्ट्रॉन्गहोल्ड तो यहीं पे है, मुझे बस इस रूम में आना था, मैं इस रूम के अंदर डायरेक्टली आ गया, और यहां पे इसने ये वाला लावा बंद किया था, और नीचे वाले कुछ ब्लॉक माइन किए, और मेरे को कुछ भी नहीं मिला भाई, मुझे और नीचे तक भी कुछ नहीं मिल रहा है भाई। लेकिन उसको तो मिल गया था, अच्छा उसको साइड वाले में भी तो गया था ना वो, रुको, उसने यहां पे भी लावा लगाया था, और उसने ये वाले ब्लॉक से माइन किए थे। विद व्हाट, सच्ची में ये मैंने ट्रैप रखा सामने चेस्ट है, और मेरे वाले के अंदर नेदरराइट, आर यू सीरियस, और एंचांटेड गोल्डन एप्पल नेदर स्टार, और ये क्या स्मिथियन टेम्पलेट यार, इसके बारे में मैं इतना जानता नहीं, अपडेट के अंदर आए तो थे, लेकिन भाई कितना अमेजिंग है ये भाई, अकेला लूट। मेरे वाले में कोई ट्रैप नहीं है क्या, मेरे वाले में कोई ट्रैप नहीं, आई गेस वो सर्वर के स्ट्रक्चर के वजह से स्पॉन नहीं होंगे, लेकिन भाई ये रियल में होता है तो बहुत मजेदार है। ट्रैप चेस्ट भी तुम देख सकते हो भाई, ये सबसे अमेजिंग था भाई। नेदरराइट, नेदर से मेरे को बहुत नफरत है भाई, वह मर जाते हैं, और तुम्हें नेदरराइट यहीं से मिल जाएंगे भाई, भाई ये सबसे बेस्ट होगा तक का भाई।
मैं आगे भी देखना चाहता हूँ ऐसा कुछ और अमेजिंग सा तो यार प्लीज मेरे को दिखाओ। आई गेस ये अब तक का सबसे बेस्ट होगा गाइस, तुम कमेंट करके बताओ कि सबसे बेस्ट कौन सा था। आगे देखते हैं कि आगे क्या मिलने वाला है, मैं आगे इसकी वीडियो में क्या है। ओके तो यहाँ पे मर गया था और ये पिलेजर आउटपोस्ट में जा रहा है, इसका चांस 60% है, नॉर्मली मिल जाता है। यहाँ पे ब्लॉक माइन कर आएगी यार, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था यार, और ये हम पिछली वाली वीडियो में देख चुके कि यहाँ पे कैसा था, वहां पे ट्रैप्स होते हैं। 2.5% चांस इसका, व्हाट भाई इसका अलग है, भाई इसका अलग है, टोटली अलग है, मेरा वाला अलग था गाइस, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो अगर तुमने नहीं देखी है तो, वरना इस वीडियो को पूरा देखो तो मैं एंड में वो दिख जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले वाले की तरफ जो हमने अब तक देखा ही नहीं है। इसका चांस 90% है क्योंकि ये नॉर्मली ब्लैक स्मिथ है जो तुम्हें विलेजेस में मिल जाता है, तो चांस 90% है। यहाँ पे लावा है कि अपना सामान फेंकेगा, नहीं इसने लावा बंद किया और यहाँ पे गया और इसने यहाँ पे जाके माइन किया और माइन करे जा रहे हैं और करे जा, विद व्हाट 0.02%, और यहाँ पे इतनी सारी चेस्टें क्यों हैं, और ये सारी ट्रैप चेस्टें मैंने देख लिया है, ये इसे खोलेगा और यहाँ पे फटने लग जाएगा, और द डायमंड आयरन सब कुछ है, अबे क्या लूट है यहाँ, और नीचे देखो नीचे टीएनटी, मैं बोला था ना भाई फटेगा, ये बंदा फटेगा, फटा ये बंदा, फटा फटा फटा, इसे सारी खोल दी, चेक कर रहा है सिर्फ एक के अंदर ही लूट होगी। ओके तो बेसिकली तुम्हें परफेक्ट चेस्ट को चुनना है, अगर तुमने गलत चेस्ट को चुना तो ट्रैप चेस्ट होंगी और वो फट जाएगा। ओके हम इसको अपने वर्ल्ड में टेस्ट करते हैं, तो मैं जाता हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर और मैं विलेज पे जाके टीपी हो जाता हूँ, जहाँ विलेज में पहले थे आएगा उसके अंदर ब्लैक स्मिथ भी था, तो हम जाके चेक कर लेते हैं। तो मैं अपने वर्ल्ड में तो आ गया हूँ, स्लैश टीपी रॉक लॉर्ड गेमिंग, और ये मैं हमारा टीपी, और मैं आ चुका हूं अपने वर्ल्ड के अंदर, तुम देख सकते हो मेरा वही विलेज है, दिन कर लेते हैं यार अच्छा लगता है दिन में। ओके गाइस तो जैसा कि तुम देख सकते हो दिन भी मैं कर चुका हूं, बस मुझे एक ब्लैकस्मिथ का जरूरत है। यहां पे ब्लैकस्मिथ है ना, ये ना नीचे ही है, लो किस्मत देखो दोनों यही मिल गया, क्लरिक भी मिला था ब्लैकस्मिथ भी यहां मिल गया। पहले मैं अंदर का लूट देखने वाला हूं, भाई क्या लूट मेरी किस्मत में था, 2-3 ऑब्सीडियन आयरन बहुत अच्छा लूट था भाई स्पीड रन के लिए। क्लरिक तू चल भाई तू काला जादू करता है, हटुर। ओके तो यहां पे उसने ये बंद किया था ऐसे और उसके बाद उसने इसे माइन किया था। ओके नीचे लैडर्स जा रही है, और नीचे क्या है, मेरे वाले में नीचे डर्ट है, उसके में अलग है मेरा थोड़ा सा, और यहाँ पे ट्रैप चेस्ट, विट व्हाट 1-2 ये सारी ट्रैप चेस्ट देखो, ये भी ट्रैप चेस्ट, ये भी ट्रैप चेस्ट, तो मेरे को टीएनटी नहीं फोड़ना, तो यहाँ पे टीएनटी आई नहीं, टीएनटी तो आगे है, आई गेस मेरे वाला में ना थोड़ा सा ग्लिच्ड है भाई, ये फटेगा नहीं टीएनटी, लोल भाई इसके अंदर कितना सारा लूट है भाई, और यू सीरियस, क्या मैंने सही चेस्ट चुना है इसीलिए, अब मैं इसको चुनूंगा तो क्या फट जाएगा ये, भाई मैं इसको खोल के टेस्ट करता हूँ क्या ये फटने वाला है। आई गेस मैंने किस्मत से पहली बार मैं सही चेस्ट लूट कर लिया है, तुम भी यही करना, नीचे वाला माइंड करके देख लेना, अगर मैं सुनूंगा तो फिट व्हाट टीएनटी फट गया। इसका लूट देखो गाइस, इसका लूट देखो भाई, कितना अमेजिंग लूट है सबके अंदर, लेकिन बचेगा तो कुछ भी नहीं, एट द एंड सब कुछ उड़ गया यार, मैं उसको रख लेता और घर ले आता भाई अपने। वेट ऊपर जाने का रास्ता भी बंद हो गया क्या, नहीं 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 ये रहा ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर निकालो भाई ब्लैक स्मिथ, अपने घर के अंदर तूने इतनी महंगी लूट छिपा रखी है और यहां पे हमें लूटता रहता है कॉल के बदले। ओके तो पहला है हमारा रूइन पोर्टल, इसका चांस 0.1% है, इसने पोर्टल के पास वाला ब्लॉक तोड़ा। ओके फिर नीचे टनल सी है और यहाँ पे क्या है, ये पिगलिन बंद है, ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन, और ये नीचे लावा है और सामने चेस्ट भी थी ना, हाँ इसके अंदर क्या लूट है, इसके अंदर तो कुछ ठीक ठाक ही लूट है, तो देखते यार क्या ये रियल है। ओके वेट व्हाट, आ चुका हूं मैं अंदर और यहाँ पे रूइन पोर्टल का है। ओके ये रे रूइन पोर्टल, मैंने रूइन पोर्टल का सीट निकाला, मुझे बस देखना कि क्या इसके पास कोई नीचे रूम है या नहीं है। ओके तो उसने बस यहाँ पे ऐसे कोई ब्लॉक्स माइन किए थे नीचे। ओ वेट व्हाट, यहाँ पे सच्ची में, ओके बट मेरे वाले में यहाँ पे पिगलिन नहीं है और ये सच में होता है क्या। ओके ऊपर से नीचे क्या ये सिर्फ एक ही केव है, यहाँ पे और भी है, यहाँ पे अभी तो मुझे सिर्फ एक ही दिखा। अरे यार यहाँ पे लावा चला जाएगा, रुको मैं बंद करता हूँ इसे। ओके तो यहाँ पे और भी होने चाहिए क्या, नहीं एक ही है और ये सच में एग्जिस्ट करता है, इसका चार्ज 0.1% है और इसके अंदर, ओके इसके अंदर भी कुछ वैसा ही लूट है गोल्ड का, इसके अंदर देखा जाए तो काफी ठीक लूट है बट हमें गोल्ड का इतना काम नहीं है। ओके भाई ये मिथ तो कन्फर्म होता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ लूट पॉसिबल है लेकिन इसका चांस बहुत ही ज्यादा कम है, और अगर तुम लोग भी ये सीड मेरे से चाहते हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक होते तो मैं तुम्हें सीट दे दूंगा। ओके तो हम चलते हैं अपने अगले सीक्रेट की तरफ। ओके तो एक पिलेजर टावर के अंदर आया, उसने एक सेंटर ब्लॉक माइन किया और नीचे कुछ जगह है, वेट व्हाट ये क्या है, नीचे ये गया और ये नीचे, और वेट व्हाट ये क्या है, क्या थैनोस है, ये थैनोस ट्वर्क कर रहा है, प्रेस टू डिस्ट्रॉय हाफ ऑफ द विलेज, भाई ये फेक है भाई, मैं नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं, अबे ऐसा कुछ कैसे हो सकता है, माइनक्राफ्ट तो पागल थोड़ी है, बटन दबा रहा कुछ नहीं हो रहा गाइस, मेरे को इसको टेस्ट करना ही पड़ेगा, आई डोंट थिंक ये रियल है, तो मैं फटाफट से आ जाता हूं अपने वर्ल्ड के अंदर और तुम देख सकते हो मैं आ चुका हूं एक पिलेजर टावर के सामने, बिकॉज यार ये इम्पॉसिबल है, अगर इसके अंदर नहीं मिला तो मैं मानता ही नहीं हूं। ओके भाई तो मैं आ तो चुका हूं इस पिलेजर टावर के पास, बट यहां पिलेजर क्यों नहीं दिख रहे मुझे। ओके आई गेस मैं अभी आया तो ये स्पॉन होना शुरू कर रहा है, मेरे को अभी दिख रहा है और यहां पे एले बंद है, भाई एले को बंद रखते हो तुम्हारी भैंस की टांग, भाई एले इज मोस्ट लाइक
क्यूटेस्ट एनिमल यार, ये पेट है क्या है बट बेस्ट है। एले आई लव यू, ये लो मेरे पीछे पीछे घूमो, एले मेरी जान है आज से गाइस। ओके तो हम पे एले और आयरन गोलम यहाँ पे है ही नहीं, क्या गवार लोग है, पता ही नहीं किसको बंद करके रखा हुआ तुमने है नूम। ओके तो हम अपने सीक्रेट रूम को देखने के लिए चलते हैं, हमारे पास एले भी आएंगी देख लो क्यूटीज। ओके तो हम चलते हैं, यहाँ पे आए हमने बस एक सेंटर ब्लॉक को माइन करेंगे। तो नीचे वेट व्हाट, सच में तो क्या नीचे मेरे में भी थैनोस डांस कर रहा होगा, दिखते रुको। अबे मेरे में कोई थैनोस क्यों नहीं है, और ये मेरे में सामने चेस्ट क्यों है, वेट गाइस सामने तुम ध्यान से देखो तो ये एक ट्रैप चेस्ट है और ये भी एक ट्रैप चेस्ट है बट ये नॉर्मल है भाई। ये तो मेरे को पता है इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इसके अंदर कितना एपिक लूट है, तुम्हें डायमंड मिलेगा और आयरन वगैरह सब, स्टार्टिंग प्लेयर्स के लिए कितना बढ़िया है और इसका स्पॉन रेट कितना कम होगा भाई। यार वो थैनोस वाला अगर एक्चुअल में रियल होता तो कितना मजा आता ना। विट व्हाट अगर मैं इसको खोलूं तो क्या होगा। ओके यहाँ पे इन्होंने टीएनटी लगा रखे होंगे नीचे, डेफिनेटली ये फटने वाला है। एलेक्स को तो फटने से कुछ नहीं होता लेकिन ये देखने में बहुत ही मजा आया। तो ये सीक्रेट रूम काफी अच्छा था एक्चुअली क्योंकि तुम्हें इससे बहुत प्यारा लूट मिल सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले रूम की तरफ। ओके तो ये आ चुका है डेजर्ट टेम्पल के अंदर, और ये डेजर्ट टेम्पल के अंदर इसने ब्लॉक माइन किया। ओके नीचे जाने वाला है क्या, हाँ यहाँ पे हम भी जाते हैं और इसको तोड़ते हैं और चेस्ट को लूटते हैं। ये क्या कर रहा है, इसने साइड के ब्लॉक माइन किया, मैंने कभी किया ही नहीं है। और नीचे एक रूम है और इसके अंदर क्या थैनोस नाच रहा होगा फिर। अबे यहाँ पे लेजिट लूट रखा है और आई गेस ये काफी अच्छा लूट है, तुम पीछे डायमंड के ब्लॉक देख सकते हो भाई। इसका स्पॉन चांस 0.00420% है भाई, 0.1 से भी कम। इसको तो मुझे टेस्ट करके देखना ही पड़ेगा गाइस। ओके गाइस तो मेरे पास डेजर्ट टेम्पल के कोऑर्डिनेट्स आ गए, हम फटाफट से वहां पे चलते हैं और देखते हैं कि ये कितना रियल है या फेक है। तो ये मैंने डाले /tp डार्क लॉर्ड गेमिंग कोऑर्डिनेट विद व्हाट, हेलो ये कहा है। अबे ये कौन सा डेजर्ट टेम्पल है, ये क्या हुआ, रुको दोबारा करता हूँ। अबे मुझे वर्ल्ड के नीचे फेंक रहा है, अबे मैं क्रिएटिव में भी मर रहा हूँ हैं भाई। ये -64 का है आ रहा है, रुको हाँ आ गया ये। ओके गाइस तो हम आ चुके हैं अपने डेजर्ट टेम्पल की तरफ और अब देखने वाले कि ये मिथ कितना रियल है और फेक है। ओके तो मैं आ तो चुका हूँ डेजर्ट टेम्पल के अंदर, देखो इसके अंदर वो यहाँ पे गया था, ये ब्लॉक तोड़ा। हम नॉर्मली भी यही करते हैं और नीचे जाते हैं और ये प्रेशर प्लेट तोड़ देते हैं और उसकी लूट देखते हैं अंदर की। कुछ खास लूट तो है नहीं, कोई बुक्स रखी हुई है और थोड़ा बहुत आयरन है, फिर से बुक्स है, यानी कि ठीक ही लूट है, आयरन वायरन रखा है। अब हमें देखने की क्या वो हमें यहाँ पे जगह मिलेगी है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे होगा, अबे यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ पे है यहाँ पे। अबे भाई ये वो स्कैम था क्या, पागल बना रहे थे क्या। वेट व्हाट यहाँ पे है कुछ। ओके तो यहाँ पे नीचे रास्ता जा रहा है क्योंकि मैंने भी कभी तोड़ के नहीं देखा। और ये सच में आर यू सीरियस, और इसके अंदर क्या डायमंड के ब्लॉक और इतना सारा लूट, और इसके अंदर ये इतना मैनेज करके कौन रख गया इसके अंदर। ओके लेकिन अगर तुम यहाँ पे आओ और तुम देखो तो ये लगे कितना अमेजिंग है भाई। तुम इनका लूट छोड़ो चेस्ट का, ये पीछे तुम्हें डायमंड का ब्लॉक और ये सब इतना सारा मिल गया है। और ये कितने, अबे भरा हुआ है पूरा भाई, पूरा भरा हुआ है भाई, ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग नहीं हो गया। ओके हम अपने अगले की तरफ चलते यार, मेरे को ऐसे और सीट चाहिए ताकि अगली बार मैं प्रो बन पाऊं। तो अब हमारा अगला रूम कुछ डेजर्ट पिरामिड टाइप है यार, ये जो अरे यार हमें पहले ही मिला था इसका चांस, लेकिन उससे कम क्यों है, 0.003% ही क्यों है। वेट व्हाट यहाँ पे इसको चेस्ट, अरे ये हम पहले वाली वीडियोस में प्रूफ कर चुके गाइस, जिसने नहीं देखी मेरी वीडियोस अब भी जाके देखो यार, इसमें एकदम सेक्सी लूट मिलता है। हम टीपी हो जाते हैं एक डेजर्ट पिरामिड की तरफ, ये रहे उसके कोऑर्डिनेट्स। ओके तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूं जंगल बायो के तरफ, वो वाले हम अपनी पुरानी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो मैं तुम्हें दिखा वालों आज कुछ और। गाइस तुम्हें स्ट्रक्चर्स दिखते ना अपने डेजर्ट विलेज के अंदर, गाइस अगर तुम यहाँ पे आओ और बराबर में सी और ये वाले स्ट्रक्चर्स हो तो इनको माइन करके देखा करो 3 ब्लॉक नीचे तक या फिर 4 समटाइम्स, तुम्हें एक रेयर लूट मिलने के चांसेस होते हैं। इस वाले के अंदर तो नहीं है बट यहाँ पे डेफिनेटली ऐसे और स्ट्रक्चर्स भी होने चाहिए। देखो ये रहा, इसके अंदर आओ और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 देखो गाइस ये रही चेस्ट, इसके अंदर कितना अमेजिंग लूट छिपा हुआ तुम देख सकते हो भाई, कुछ ज्यादा ही अमेजिंग लूट नहीं होगी। एनचार्टेड गोल्डन एप्पल गोल्डन डायमंड, ये लूट सिर्फ डेजर्ट विलेज के पास मिलेगी जो कि सी के पास होता है, क्योंकि एक बनी ट्रेजर मैप होता है जो कि इन पैटर्न्स के अंदर ही छिपा हुआ होता है। ओके तो नेक्स्ट वाले के लिए डेजर्ट पिरामिड के अंदर आया, और यहाँ पे पिरामिड के अंदर ही क्या कर रहा है, नीचे हम जाते हैं ऑब्वियसली अपना नॉर्मल लूट रहते हैं। और यहाँ पे गया, इसने ब्लॉक माइन क्यों किया, यहाँ पे क्यों कर रहा है माइन, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। और ये सच में है,
अबे गधे पागल मत आना भाई, ये फेक है, मैं मानता ही नहीं भाई, कुछ ज्यादा ओपी लूट नहीं होंगे ये। चलो अपने वर्ल्ड में टेस्ट करके देखते हैं भाई। तुम्हारे सामने एक रैंडम लोकेट करूंगा स्लैश लोकेट स्ट्रक्चर और डेजर्ट पिरामिड, ठीक है। रैंडम लोकेट किया, 1000 ब्लॉक 1400 ब्लॉक दूर है और यहाँ पे हम हो गए टीपी और ये लोड हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। ओके मेरा पीसी मरते मरते से लोड तो कर ही लिया है, अब हम चलते हैं अंदर। ओके तो वो यहाँ पे आया था और यहाँ पे आने के बाद सिंपली उसने ये वाला ब्लॉक तोड़ के देखा था और नीचे कुछ भी नहीं था भाई। नीचे का लूट क्या मेरे को देखने दो भाई, नीचे का लूट में एक नॉर्मल गोल्डन एप्पल ये TNT फोड़ के देखते हैं अपना ऊपर वाला मामला। तो वो यहाँ से यहाँ आया था और यहाँ मैंने कहा उसने ये तोड़ा था, ये तोड़ा और ये तोड़ा और ये तोड़ा, भाई मेरे में कुछ भी नहीं है लेजिट भाई, ये फेक है, ये फेक है, मैं कह रहा हूँ भाई ये लेजिट फेक है। देखा मैं रैंडम लोकेट किया था गाइस, ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। नीचे जो लूट है वही लूट है जो कि मैंने जला दिया, देखता हूँ एक नंबर। वेट व्हाट, ये पीछे क्या है इसमें हॉपर, और ये नीचे खुल जाता है और ये नीचे गया और यहाँ पे पानी है और यहाँ पे क्या था, ये तो सारा लावा। वेट व्हाट भाई, ये डेफिनेटली फेक है, ये डेफिनेटली फेक है, मैं मानता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल भाई, ये मानूंगा ही नहीं। रुको मैं करके दिखा देता हूँ भाई, पीछे मेरे कोई हॉपर है नहीं है ना, नीचे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, अरे कहीं कुछ नहीं है भाई, ये तो डेफिनेटली फेक है भाई, ऐसा कुछ कैसे हो सकता है माइनक्राफ्ट में। पिरामिड और ऊपर से मैं इतना नीचे आ चुका और मुझे तो कुछ नहीं मिला है। रुको मैं तुम्हारी संतुष्टि के लिए स्पेक्टेटर मोड में दिखा रहा हूँ भाई, कोई पिरामिड नहीं है, कोई भी पिरामिड नहीं है, कितनी भी दूर तक देख लो भाई एक भी पिरामिड नहीं है भाई, वो डेफिनेटली फेक है भाई। ओके तो हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ, क्या पता वो इससे भी ज्यादा अमेजिंग हो। ओके तो एक लास्ट सीड मैं लेके आया तुम्हारे लिए और इसको मैं खुद से टेस्ट करने वाला हूँ। यार ये वीडियो तो बहुत पागल बना रहा है, तुमने देख ही लिया अभी, तो इसके अंदर मुझे चाहिए जंगल बायोम, और पीछे तुम मेरे देख सकते हो जंगल का कोई स्ट्रक्चर है वो कोई नहीं, यहाँ का जंगल का टेम्पल है और इसी के अंदर हमारा अगला सीक्रेट होने वाला है। इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले सीक्रेट के लिए ओके तो इस सीक्रेट के लिए सबसे पहले मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाने के बाद तुम देख सकते हो एकदम नॉर्मल लग रहा है, और जैसा मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग मेरे को नीचे जाना है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो दुनिया भर के लीवर्स होते हैं वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि तुम सामने देख सकते हो वो वहाँ पे एरो मारता है, तो हमें इसका कुछ कॉम्बिनेशन सेट करना होता है जिसकी मदद से हम कर पाते हैं। ओके तो मेरे को सिर्फ सिंपली यहाँ तक आना है, और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इसको खोलूंगा तो इसके अंदर कुछ नहीं है, बट अगर मैं इसकी साइड वाले ब्लॉक माइन करूँ, वेट व्हाट, हेलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कहाँ पे फिर, ओ ये रहा, अच्छा चेस्ट के नीचे वाले ब्लॉक पे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे कुछ मिलेगा। ओके भाई तुम मेरा मैं तब तक तो सही जा रहे हैं, लेकिन ये सामने तुम्हें अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं, और हमें यहाँ पे कुछ भूल भुलैया टाइप दिख रही है। अबे ये कैसी भूल भुलैया है, मुझे यहाँ पे कहीं पे चेस्ट मिलती है तो ये लेजिट कंफर्म होता है भाई, लेकिन तुम्हें सच में यहाँ पे एक मेज टाइप मिल चुकी है, ये क्या है यार, मुझे चेस्ट ना दिख रहा है, क्यों है ये चेस्ट नहीं तो कुछ और ही दिख जाए, इसका स्पॉन रेट सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अभी वेट व्हाट यार, मैं कहाँ जाऊँ, वो सामने ही एक वेट, अभी इसके अंदर कितना खतरनाक लूट है, इसके अंदर एन्चांटेड गोल्डन एप्पल और नॉर्मल और डायमंड्स और आयरन सब कुछ है एक ही चेस्ट के अंदर भाई, ये सबसे बढ़िया तब तक का, और ये सिर्फ टेम्पल में मिलता है क्योंकि टेम्पल ऑलरेडी बहुत रेयर होता है, और ये तुम देख सकते हो भाई टेम्पल खतरनाक होता है, इसके अंदर एरोज मारता है ये बढ़िया बढ़िया तुम्हें, इसी वजह से टेंपल के अंदर ये लूट होता है और ये बहुत रेयर होता है। ओके गाइस तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम्हें ऐसे और सीड्स देखने हैं तो मुझे अभी कमेंट करके बताओ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही, गुड बाय।